subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्पिंदर कुलशरस भाई, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं पूरी दुनिया में, जो इस वक्त हिंदू ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने पर जो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, उनमें इनका नाम बहुत ही आगे है, बहुत ही नुमाया है। आपकी जो रिज्यूमे है उस पर एक नज़र डालें तो बहुत सारे आपके काम हैं। जर्नलिज्म से आपकी वाबस्तगी रही, और वो जो वाबस्तगी है वो उनकी बातों में झलकती है। और एक दर्द है, एक कर्ब है कि क्यों भारत, जो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, जो दुनिया की फाउंडेशन की जड़ है, उसके खिलाफ और उसके बासियों के खिलाफ दुनिया में क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं। चलिए, दुनिया तो ज़रा दूर की बात है, भारत के अंदर क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं। बहुत सारे बड़े मीडिया आउटलेट्स के साथ जुड़े रहे, मुस्लिम कल्चर में ही पले बड़े, और मुस्लिम कल्चर को उसी तरह समझते हैं जिस तरह मैं समझता हूँ। इंडिया का मुस्लिम कल्चर भारत का मुस्लिम कल्चर है, और मैं बार बार अपने बारे में ये कहता हूँ कि आई एम हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, जिसका मतलब ये है कि मेरी जो हिंदू आइडेंटिटी है वही असल में आइडेंटिटी है, और जो मेरा फेथ क्लब है वो है इस्लाम। ये ऐसे ही है जैसे कोई रोटरी क्लब हो, लॉयन क्लब हो, लेकिन जो असल आइडेंटिटी है, जो जड़ें हैं, वो है मेरी हिंदू सिविलाइजेशन, मेरी हिंदू आइडेंटिटी। जब मैं ये बात बार बार कहता हूँ तो बहुत सारे मुस्लिम्स, मेरे बहन भाई और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो लाठियाँ लेकर ट्विटर पर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हिंदुत्व के हामी हो। मैं उनसे कहता हूँ हाँ, मैं हूँ, इसलिए हूँ कि हिंदुत्व में पीस है, और हिंदुत्व को ना तो आप समझते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, ना ही वेस्ट समझता है। हमारे भाई पुष्पिंदर जी का जो वैसे परिचय है वो बहुत ही फैला हुआ है, उनका प्रोफाइल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी बातचीत चलेगी आगे, वो सारी बातें बीच में आएंगी। मैं अपने और आपके बीच अब ज़्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता पुष्पिंदर भाई के लिए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी पुष्पिंदर भाई, कैसे हैं आप? आदाब जी। आपको जब भी मैं कभी आपकी तकरीर सुनता हूँ तो वो जो आपका लखनवी लहजे का आदाब है, वो हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो इतने अच्छे अंदाज में आदाब कह भी नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कल्चर में तो अस्सलाम वालेकुम बहुत हुआ करता था उस जमाने। जी जी। और आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल दूसरे नुक्ते नजर से देखा जाता था, तो हम तो अस्सलाम वालेकुम वाले बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। तो हमारी जिंदगी, हमारा बचपन, हमारी तालीम, तरबियत, तमाम सारी चीज़ें उसी पस मंज़र में हुई हैं। और हम उस वक्त बचपन में बहुत सारे बच्चे हमारे साथी जो थे वो हमारा नाम पूरा नहीं ले पाते थे, तो कोई पुष्पिंदर कहता था, कोई पुष्पिंदर कहता था। तो और कुलश्रेष्ठ तो मैंने अपना सरनेम लगाया ही नहीं, क्योंकि इस वक्त टू डिफिकल्ट। तो मैंने सिर्फ कहा कि भाई आप जो दिल चाहे ले लें, लेकिन आखिर एक लंबे वक्त तक मैं पुष्पिंदर खां के नाम से यूनिवर्सिटी में जाना जाता था। तो अब हज़ारों लाखों बच्चे थे वहाँ, और कोई 40,000 की स्ट्रेंथ थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, वालिद साहब वहीं थे। तो कभी ये एहसास ही नहीं हुआ हमको कि हम हिंदू हैं या कोई हमारी हिंदू आइडेंटिटी है। जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे थे, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ
कि उस दिन हमको लगा कि शायद हम आज हिंदू हैं, और उससे पहले शायद ना तो कभी हम मंदिर गए थे, ना हमने कभी कोई पूजा की थी, क्योंकि 40,000 के आसपास की स्ट्रेंथ थी कैंपस में, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, हम, हमारे वाले साहब, हमारी बहनें, हम सब वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े। लेकिन 79 में एक हादसे ने हमको ये एहसास कराया कि आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो और आप कितना भी कल्चरली आप उस माशरे में रहे हों जो वहाँ का प्रोडोमिनेंट जो कल्चर होता है, तो हम तो नमाज भी पढ़ी, अजान भी दी, कुरान भी पढ़ा, और सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी के हर हिस्से में हम मुसलमान की तरह ही रहते थे। कभी ये एहसास ही नहीं था कि हम हिंदू हैं, कभी हमारे दोस्तों ने कभी एहसास नहीं कराया। लेकिन 1979 में एक ऐसा वाकया हुआ, उसके बाद से जैसे कहते ना कि आपके ऊपर एक स्कार खिंच गया और आप फिर उस हादसे को कभी भूल नहीं पाए। हमारे वाले साहब का आँख का ऑपरेशन था और वो शहर के एक बड़े नामी हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम तमाम सारे बच्चे घर में थे। 79 में उस समय हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत जो थी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, आप जानते हैं जनता पार्टी की हुकूमत थी। दिल्ली में मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, और उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ट्रेन में भर के वहाँ से यहाँ आ रहा था, और मैं गालिबन उस वक्त 79 में आई वॉज इन 9th क्लास, तो वो यहाँ आया और यहाँ कुछ वो ट्रेन, क्योंकि लड़कों की जो एक कैफियत होती है मेजॉरिटी में कि जब सारे लड़के होते हैं तो कोई लड़की हो या कोई ख्वातीन हो तो लोग थोड़ा ज़रा छेड़ने छाड़ने का वो कर रहे थे। किसी गांव की एक देहाती लेडी थी उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़के स्टूडेंट्स वहीं बैठे हुए थे और पूरी ट्रेन पर उनका कब्ज़ा था, वो लोकल पैसेंजर ट्रेन है, AGN के नाम से जानी जाती है, अलीगढ़ दिल्ली गाज़ियाबाद वो आती है और सुबह आती है शाम में चली जाती है, तो वो शुरू हुई थी शुरू में। तो उसमें लड़के आए तो गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी, वहाँ पे कुछ लोगों लड़कों ने किसी गांव की एक देहाती औरत के साथ कुछ छेड़खानी की, कुछ कुछ उल्टा सीधा कहा या कुछ हाथ वात कहीं लगा दिया, और उसमें हुआ ये कि ये बड़ी यहाँ जो पूरा गाजियाबाद से लेकर के जो पूरी कम्युनिटी है ये बड़ी मार्शल कम्युनिटी है, गुजर कहते हैं उनको हमारे यहाँ गुजर कम्युनिटी को, तो वो तमाम स्टेशन पर रोक टाक लिया, फिर वो मारपीट हो गई। तो हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे पास ये खबर पहुंची शाम में, जब वहाँ कि सायरन बजने लगा, तो सायरन का हमारे यहाँ मतलब ये लगाया जाता है कि जब बहुत सारे सायरन 10-20 इकट्ठे बजने लगे तो उसका मतलब होता है कि तमाम तलबा जो अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो रेजिडेंस में वहाँ हैं, वो तमाम सारे लोग घरों को छोड़ करके यूनियन हॉल है वहाँ पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सिटी पर आफत आ गई है, कोई बहुत इमरजेंसी है। तो हम 9th क्लास के थे तो खेलते खाले वाले दिन भर हमारी ज़िंदगी वहाँ रहती थी, लेकिन हम भी वहाँ सब देखने के लिए चले गए। वहाँ पे जाके तकरीरें हुई और वहाँ तकरीरों में कहा गया कि भाई वहाँ RSS के लोगों ने ट्रेन को रोक लिया और फिर 50 स्टूडेंट्स की कत्ल कर दिया गया है। ये तमाम खबरें थी, एक अफरा तफरी का माहौल था। अली मोहम्मद साहब, खुसरो साहब वहाँ के वाइस चांसलर थे, तो उस पस मंजर में देखा कि धीरे 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 वो एकदम बात हेल्थी चली गई और पता नहीं कितने मरे कितने नहीं मरे, और आखिर में ये हुआ कि कैंपस में जो 3-4 फैमिली रहती थी हिंदू की, उनके घरों में लोगों घुस गए, किसी के डॉक्टर डी कुमार थे, उनकी जो मिसेस थी उनकी साड़ी कपड़े सब ब्लाउज फाड़ दिए लोगों ने। हमारे घर में वही लोग घुसे जो हमारे साथ दिन भर उठने बैठने वाले लोग थे, जो हमारे बड़े भाइयों के क्लासमेट थे, जो हमारे साथ खेलते थे, तो एक अजीब सा फील हुआ। और हम बार बार ये कहते रहे कि भाई शासित भाई आप तो आप जानते हमें, लेकिन उस वक्त जो जुनून सवार था उनके अंदर, लोगों ने घर को लूटा, तमाम सारी चीज़ें ले ली और हम सब लोग सहमे हुए। और पहली बार एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जिंदगी में कि ये भी ऐसा हो सकता है, ये दंगा का क्या कैफियत होती है, मेजॉरिटी किस तरीके से डराती है, तो वो तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमारे वाले साहब जब ऑपरेशन के बाद लौटे तो उन्होंने ये हिदायत दी घर में कि जो भी कुछ हुआ है ये यही हुआ है, इसे किसी बाहर जिक्र नहीं करना है, ना इसका कहीं किसी से बोलना है। तो हम लोगों ने एक तरीके से, जैसे वो उर्दू में एक अल्फाज है कि जम कर लिया, हमने मान लिया कि ये कुछ हुआ था लेकिन हम भूल गए उसको। लेकिन वो क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ज़रा ज़्यादा खेलने खाने में रहा और वहाँ की सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रहा, तो बड़े होते होते तक वो तमाम सारे चेहरे हमारे साथ ढाबों पर मिला करते थे जिन्होंने हमारे घर में आए, और वाले साहब के 2-3 जानने वाले थे बिलग्रामी साहब वगैरह, उनको मारा। और एक साहब ने मुझे वो जुमला बोला, वो मुझे आज तक याद रहता है ताहिर भाई, उन्होंने कहा कि जब उन बुजुर्ग साहब को मारा उनका चश्मा भी गिर गया बेचारे, वो मेरे वाले साहब के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इस पंडित के घर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो भी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको जब मारा तो किसी ने कहा कि तुम जैसे मुसलमानों की वजह से आज जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है। तो उसके बाद से एक जैसे कहते हैं ना कॉर्ड टूट गया हम लोगों का, और फिर कोई हम लोग उसके बाद 85 तक यूनिवर्सिटी में रहे,
लेकिन आज तक उस पूरे वाक्य को कभी किसी हमने गुफ्तगु में नहीं देखा, और कहीं हमने इसको नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा हादसा हुआ। एक प्रोफेसर जौहरी साहब थे, उनका भतीजा था, उसकी लाश हमारे घर के पास पड़ी रही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। वाइस चांसलर की बगैर परमिशन के पुलिस नहीं आ सकती थी, 3 दिन तक पुलिस नहीं आई। तो वो जो एक तरीके से जैसे कहते ना कि आप अंदर तक सिहर गए हों कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं वो आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो उसके बाद से वो मेरे दिल में रहा। और हमारी तमाम सारी बहनें वहाँ से पीएचडी की, रिसर्च की, सब टॉपर थे, वो किसी ने भी यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की कि हमें यूनिवर्सिटी में जॉब करना है। और वालिद साहब की सर्विस करीब 85 के बाद फिर ख़त्म हो गई, फिर हम लोग चले गए। तो उसके बाद मैं ही एक अपनी फैमिली में था जो नॉन गवर्नमेंट जॉब में, बाकी मेरी फैमिली में ज़्यादातर मेरी बहनें लेक्चरर और डॉक्टर या प्रोफेसर रहीं, भाई सारे मेरे इंजीनियर रहे, तो मैं सहाफत में आ गया। तो वो धीरे 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 फिर मैंने सहाफत में भी देखा कि यहाँ पे भी एक खास किस्म का कल्चर है कि यहाँ आप अगर कोई बात मुसलमान के सिलसिले से कहते हैं तो आपको टैग कर दिया जाएगा, यू आर कंजर्वेटिव, यू आर एंटी मुस्लिम। तो ये बात मुझे उतरती नहीं थी, जब कोई कहता था कि आई एम एंटी मुस्लिम, आई एम एंटी इस्लाम, मैं कहता था मेरी पूरी जिंदगी तो उसी के बीच में गुजरी है, अब अगर यहाँ ये टैग किया जाता। तो उस जमाने आप सोचिए कि मैं जब दिल्ली की सड़कों पर घूमता था ताहिर भाई, तो मैं मेरे मुंह से हमेशा निकलता था अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। तो लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ दूसरा कल्चर है, यहाँ लोग बड़े उस अंदाज में देखते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो कुल मिलाकर के ये होता था कि शाम के 7 बजे मैं दिल्ली के फुटपाथ पे अक्सर घूमता था और सड़क पे अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करने की प्रैक्टिस करता था कि कैसे नमस्ते कर सकते हैं। तो अब आदमी इस बैकग्राउंड से आया हो और उसका ये वो रहा हो, तो एक एक लंबे वक्त तक मैंने अपना कैरियर शुरू किया। संडे मेल से अखबारों में गया, फिर टेलीविजन में गया, फिर बीबीसी में 3 साल गुजारे, और उसके बाद पाकिस्तान का एक प्राइवेट चैनल है आज टीवी, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जॉब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, खैर वो जॉब मुझे मिली और कोई 12 साल तक मैंने जितनी मुझसे ईमानदारी से एक प्रोफेशनल के नाते किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो जॉब छोड़ा तो प्रेस क्लब में भी मैं थोड़ी 4 साल तक यहाँ का सीईओ प्रेस क्लब का रहा। उस पॉलिटिक्स में मैंने एक अजीब बात देखी कि लोगों ने मुझे कहा कि जब मैं चुनाव 4 बार जीता तो कुछ लोगों ने मुझे ISI का एजेंट बताना शुरू किया, और जब मैं चुनाव 4 बार जीतने के बाद 5वीं बार वहां से हार के बाहर आ गया तो कुछ लोगों ने अब कहा कि साहब ये RSS का एजेंट है। तो मैं सोचने लगा कि कितना जो हमारी सहाफत है वो कितनी सुपरफिशियल है, कि लोग वही लोग जो दिन रात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में हो, चाहे उसकी डिप्टी एडिटर हो BBC, वो तमाम सारे लोगों के चेहरों से मैंने नकाब उतरते हुए देखा। तब मुझे लगा कि बड़ा फेक किस्म का ये मीडियम है, और इसमें जो लोग अपना दावा करते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं, उनको जब पास से मैंने देखा मैंने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं भाई, इनका लिबरलिज्म एक अजीब किस्म का है, आपका लिबरलिज्म कुछ अजीब किस्म का है। तो जब तक मैं एक पाकिस्तान की जॉब करता था तो मैं बहुत लिबरल था और मैं बहुत अच्छा था, BBC में करता था तब भी बहुत लिबरल्स मेरे बड़े साथ में रहते थे, और उस जमाने आपको 9/11 हुआ जो हम बम्बई वाला हमला, उसमें एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, तो यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी पत्रकार जो थे उसमें शामिल थे और वो बहुत ज्यादा बातचीत करते थे। लेकिन जब वो मैं प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में जब वो उनको बेचारों को कोई दिल्ली में उनको तैयार नहीं था, उसमें कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ, कसूर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो भी उसमें शामिल थे, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसमें शामिल थे, तो मैंने देखा दिल्ली में कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है मेरी आइडेंटिटी क्या है क्या नहीं है, मैं प्रेस क्लब इंडिया का CEO हूं, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप आए। और उस वक्त मैंने बड़े बड़े सेकुलर लोगों को देखा जिनका मुझे लगता है कि वो शायद सुबह सुबह नहाते भी सेकुलरिज्म में हैं, खाते भी सेकुलरिज्म में हैं और सोते भी सेकुलरिज्म में हैं। उन तमाम लोगों ने कहा कि ये पुष्पिंद पागल हो गया है और पाकिस्तानियों को बुला रहा है और इनको कोई मंच नहीं दे रहा है और तुम मंच दे रहे हो। मैंने कहा देखिए मैं यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पे हूँ, मैं हिंदू हूँ और नहीं हूँ ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, जो प्रेस का काम है मुझे करना चाहिए। और वो 50-60 लोगों का मैंने डेलीगेशन बुलाया, तो मेरे ही साथी जो अब तक पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी राय रखा करते थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी लाइन टो नहीं कर रहा था तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ भी एजेंडा चलाया। फाइनली वन डे आई डिसाइडेड, मैंने कहा यार मैं जिस पर्पस से जर्नलिज्म में आया था वो मेरा एक अपना कमिटमेंट था, मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे 56 करोड़ की कोठी नहीं खरीदनी थी, मुझे नेताओं से संपर्क नहीं बनाना था, मुझे MP MLA की लाइन में नहीं लगना था। तो मैंने डिसाइडेड कि भाई अब हमारे पास एक मीडियम है इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल, तब फिर मैंने अपनी बात कहना शुरू की। और आज मुझे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कोई RSS का एजेंट कहता है, कोई विश्वहिंदू पर। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा है कि जब भी आप कोई बात ऐसी कहेंगे जो एक 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 पॉपुलर जो आपका नैरेटिव होता है, अगर आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट होता है,
और वो हुआ। और 3 साल से जब मैं ये कहने लगा तो धीरे धीरे अब उन लोगों की गिनती कम हो गई है, और एक बहुत बड़ा दूसरा सेगमेंट मैंने खड़ा किया और मैंने कहा कि देश को रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ, किताबों के साथ वो बातें बतानी चाहिए जिसकी वजह से इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। और मुसलमान की बुराई को, अगर मुसलमान की कमी को अगर आप मुसलमान की कमी कहेंगे तो लोगों में एक खास किस्म का मैंने एटीट्यूड देखा, तो मुझे लगा कि ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी हिंदू ने गलत किया है या किसी मुसलमान ने गलत किया है तो हिंदू को क्रिटिसाइज करना एक फैशन है, और मुसलमान के बारे में बोलना जो है आप जो है थोड़ा सा राइट विंगर हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप फ्रिंज हैं। देन आई डिसाइडेड कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन फिर मैंने कहना शुरू किया और फिर आज जो मेरा सफ़र है वो इस वजह से यहाँ पहुँचा, और आज 3 साल मुझे हो गए। और मैंने कहा कि जो बातें मुझे पता हैं, जो नहीं पता हैं, जो नहीं कहना चाहते लोग, उन तमाम किताबों को मैं पढ़ता हूं, उन रेफरेंसेस को पढ़ता हूं, और जो ज़िंदगी में पर्सनल तजुर्बात हैं, जो पाकिस्तान में भी रहा, यहां मैंने कई बार अपनी मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान के मीडिया को जब आप भारत से कंपेरिजन करते हैं तो उस मामले में बहुत जगह हम देखते हैं कि भारत के मीडिया का जिस तरीके से, जैसे वो अडवाणी जी ने एक बार कहा कि भाई यहाँ के मीडिया वालों से कहा गया था एमरजेंसी में आप थोड़े से झुक जाइए, यहाँ के लोग लेट गए। तो यहाँ ये एक एटीट्यूड है लोगों का, और लोग अलग अलग हैं। अब तक एक नैरेटिव रहता था तो मीडिया का टोन भी वैसे होता था, अब हुकूमत बदली है तो मीडिया का टोन भी बदला है। तो मुझे लगता था कि कहते हैं कि अभी भी जो है वो बात नहीं कह पा रहे, और जब भी कोई बात आती थी तो मीडिया बड़ा अपोलॉजिस्टिक हो जाता है, जैसे कहेंगे कि भाई देखिए एक 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 मजहब के लोगों ने ऐसा किया, और जब कोई बात हिंदू पे आएगी तो कहेंगे साधु ने ऐसा किया, और मरने वाले का नाम भी बताएंगे, मारने वाले का भी नाम बताएंगे। तो मुझे लगता था कि दिस इज प्योर हिपोक्रेसी, और अगर आपको मीडिया में रहना है तो फिर आप मीडिया की तरह बात करें, और अगर आपको यही सब करना है तो बेटर टू रिजाइन एंड देन ज्वाइन, फिर उसके बाद पब्लिक में जाके कहिए, फिर आप अपनी एक राय रखिए। तो मुझे थोड़ा सा शुरू में दबाव बहुत था मेरे ऊपर, तो फिर मैंने डिसाइड किया ताहिर भाई, और मैं आज जो है वही सब बातें कह रहा हूं, और मैं देखता हूं कि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रिटायर जो लोग DGG हैं या लेफ्टिनेंट कर्नल हैं या प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जो बात हम नहीं कह पाए पूरी जिंदगी वो आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आप पूरी जिंदगी झूठी बोलते रहे, और आपको लगा क्या कहते हैं कि अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर सच बोले। मैंने कहा आपने आप तय करते अपनी जवानी दांव पे लगाते और फिर लोगों को बताते, अब आप कहेंगे भी तो लोग कहेंगे पूरी जिंदगी आपने तो गलत काम किए, अब आपके आके यानी प्याज खा के मुसलमान बनने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा मैंने कहा कि बीच उसमें रास्ते में अपना जॉब छोड़ते हैं और इस काम को करते हैं, देखते हैं अगर हमारी बात सच होगी तो लोग सुनेंगे, और हमारी बात नहीं सच होगी तो लोग नहीं सुनेंगे। और आज मुझे लगता है कि इस देश में एक 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 रेनासा जिसे कह सकते हैं, लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, लॉजिक के रीजनिंग के साथ जानना चाहते हैं, इमोशनल तरीके से नहीं जानना चाहते। यही शायद वजह है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं, और दुनिया भर में लोग मुझे बुलाते भी हैं, कभी US में लाइव करते हैं, कभी RSS की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कभी हिंदू जागरण मंच करते हैं, कभी ABVP वाले बुलाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को शायद पहली बार ये लग रहा है कि हुकूमत से दूर रह करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह, बहुत कमाल की स्टोरी है। यानी एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स की, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की ये कहानी है, मगर पुष्पेंद्र भाई इसको जिस तरह की स्पिरिट के साथ आपका जर्नी है, उस स्पिरिट को बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते। वो जो एक हॉलोनेस है और जो एक शैलोनेस है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में भी, वो बहुत दुख पहुंचाने वाली होती है। चूँकि आपकी ये कहानी मुख्तसर शब्दों में सुनते हुए मुझे अपना भी सफ़र याद आ रहा था कि कैसे हम जब इंडिपेंडेंट थॉट्स रखते हैं तो कैसे हम बदलते हैं, बदलते नहीं है बल्कि मैं कहूँगा इवॉल्व होते हैं। इनफैक्ट हम इवॉल्व होते हैं, लेकिन हम पर लेबल लगाए जाते हैं। कुछ लेबल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमारे बुल्ले शाह ने पंजाबी में कहा था, तैनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। तो मुझे कोई कहता है कि तुम काफर हो, मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। इसलिए कि लफ्ज़ काफ़र जो है वो इट्सेल्फ मुझे सख्त नापसंद है, हेट्रेड की बेस पे है, डेरोगेटरी है। काफ़र तो वो लोग हैं जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। आप और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, क्योंकि हम रियलिटीज़ को समझते हैं। ये जो मोमिन पने का एहसास है,
ये आपको अपने इस पूरे जर्नी में हुआ, चूंकि आपने लेफ्ट राइट सब कुछ देखा। मेरे नज़दीक तो लेफ्ट राइट रहा ही नहीं, मैं तो रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी पर बिलीव करता हूँ। लेकिन इस सारे खेल में, इस सारे जर्नी में पुष्पेंद्र भाई, आपको महसूस होता है कि जो आपकी तरफ के भी बहुत सारे लोग हैं, यानी मेरी तरफ के भी वही लोग हैं इनफैक्ट, वो भी इस जर्नी को ठीक तरह से समझ पाते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है ताहिर भाई, एक दिक्कत यह है कि हम लोग उस दौर में आए हैं जब ये समझ लीजिए कि एक करीब करीब 5 या 6-7 पीढ़ी जो हैं एक ख़ास नरेटिव में, एक ख़ास स्टाइल में, एक ख़ास एजुकेशन सिस्टम में, एक ख़ास हिस्ट्री के अंदर वो पले बड़े, और वो नस्ल दर नस्ल कोई 8-10 जो जनरेशन निकली होंगी उन्होंने वो पढ़ा है, और अब वो उनको कहते हैं कि धीरे धीरे अब वो उनके नसों में चला गया है। लिहाजा हम उस दौर में कोई ये बात कहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 100 साल तक कोई आपको बताए कि सूरज जो है पश्चिम से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, और यकारक आप आए और कहें नहीं नहीं ये गलत है भाई, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो आपको एक लंबा वक्त तो लोगों के जहन में जो बना हुआ है पहले उसको मिटाने में लगेगा, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बचाने में लगेगा, फिर आपके ऊपर वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट फोर्सेस हैं वो किस किस तरीके से आप पे हमला करेंगे, आपके ऊपर फिजिकल भी हमला करेंगे, आपके ऊपर आइडियोलॉजिकल भी हमला करेंगे, आपको साइडलाइन भी करेंगे, आपको इकोनॉमिकली भी। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी, लेकिन पूरी दुनिया में जो बदलाव है वो भारत में भी लोगों को देखने को मिल रहा है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि एक ऐसा मौका हुआ कि 70 साल के बाद भारत में एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आया, उसका नैरेटिव अलग है। पहले तो अटल जी के ज़माने भी सरकार बदली थी, एक दूसरी आइडियोलॉजी की आई थी, लेकिन कुल मिलाकर के अटल जी की सरकार भी जो थी वो मिली जुली वो उन्हीं 20-25 पार्टियों की थी, और उस दबाव में कोई एक खास नैरेटिव नहीं था। आज भी जब इस सरकार आई है 2/3 मेजोरिटी से आई है, तो देखिए पहले रिजेक्ट किया लोगों ने, यानी आप देखें कि पहले कहा ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये बहुत कोई ज़्यादा क्या पॉलिटिक्स में जानता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या करेगा, इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में। फिर उसको बताया गया कि साहब ये तो मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किलर है। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे वो फोर्सेस जो एक लंबे वक्त से इस हुकूमत का या सत्ता का स्वाद या सत्ता का टेस्ट ले रहे थे, पावर में थे, इंजॉय कर रहे थे, उनको लगने लगा कि अगर ये पूरा टूटेगा तो जो हमने इतने सालों में सब कुछ महल बनाया है, चाहे वो अपनी आइडियोलॉजी का बनाया हो, अपने रुतबे का बनाया हो, अपने पैसे का बनाया हो और किताबें लिख, वो कहीं टूट ना जाए, तो ये सारी फोर्सेस विदाउट इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान, इसमें लेफ्टिस्ट भी शामिल हो गए उसमें, जिसको ये लग, वो एक इंटरेस्ट था, वो एक जिसे कह सकते हैं वो पूरी आइडियोलॉजी इंटरेस्ट बेस्ड थी और उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद में लोगों ने वही सब शुरू किया तो कहा 2014 में आ गया है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आ गया है। तब भी बहुत सारे लोगों का हमने ये हिपोक्रेसी देखी कि भाई आप अखबार के एडिटर हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये लोकतंत्र के अंदर वोट बताएगा, लेकिन ये कैसे अखबार के एडिटरों ने यहां मुहिम चलाई कि साहब अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो हम जो है देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तब मुझे लगा कि ये तो एक अजीब किस्म का मामला है भाई इलेक्शन में जो खड़ा होगा वो जीतेगा, उसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद आए ना पसंद आए दैट्स अ डिफरेंट इशू। जब लोगों ने डिसाइड कर दिया तो आप एक एडिटर होकर के, क्योंकि आपके पास एक अखबार है या आपके पास एक टेलीविजन है, तो ये आप अपनी ख्वाहिश को खबर क्यों बना रहे हैं? खबर को ख्वाहिश बनाए समझ में आता है, लेकिन ख्वाहिश को खबर मत बनाइए आप। तब मुझे लगता था कि कहते हैं कि ये चला, लेकिन शुरू शुरू में बहुत सारे लोग उन्हें इसको सिर्फ देव वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे, लेकिन हमको ये लगा कि इससे बेहतरीन दौर हमको नहीं मिलेगा कि हम इस नैरेटिव के बारे में जब बोलेंगे तो हुकूमत से हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है, हम शायद हुकूमत के किसी भी बड़े अहदेदार से या किसी भी वजीर से शायद हमारी सलाम दुआ भी नहीं होती होगी। लेकिन जब हम ये बात सच बोलने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई मौलाना आज़ाद भारत के बहुत पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन भाई ये बताओ कि शिक्षा मंत्री अभी हाल में मोदी सरकार में एक शिक्षा मंत्री एक खबर
खातून खबर बनी और वो बेचारी अपनी जिंदगी में एक कमरे में तीन बहनें और माँ रहती थी और बहुत ही छोटे उसमें आई और मैकडोनल्ड के अंदर जाकर के उन्होंने पोछा तक लगाया, यानी एक सेल्फ मेड महिला थी और उसने फिर अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया। और वो जब HRD मिनिस्टर बनी तो हमने यहाँ देखा बड़े बड़े लिबरल, अरे साहब बताइए एक पोछा लगाने वाली को प्राइम मिनिस्टर वो बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, इसकी एजुकेशन क्या है और शी इज जस्ट ए ग्रेजुएट। तो मैं इन बातों को सुनता भी था और ये सोचता था कि यार ये तमाम सारे लोग जो आज स्मृति ईरानी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हैं, क्या कभी इन्होंने मौलाना आजाद से पूछा कि मौलाना आजाद किस स्कूल में गए थे? अब जब ये मैंने किया कहा तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, लोगों ने बाद में रियलाइज किया कि भाई मौलाना आजाद तो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो तो मदरसे में थे और उनकी तो उनका तो जन्म भी मक्का में हुआ था, उनके वालिद साहब मक्का के थे, उनकी वालदा जो थी वो मदीने की थी, उनका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था। 1888 में वो पैदा हुए और 1902 में भारत आ गए और फिर भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन गए। तब किसी ने नहीं पूछा था कि डिग्री उनकी क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे ही चल रही है। मैंने कहा पांच पांच जिस देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान बने हों और मुसलमान ये कहता हो हम शिक्षा में पिछड़े हैं, तो इन बातों को कहने से लोगों को शुरू शुरू में लगता था कि नहीं नहीं पुष्पेंद्र यू आर नॉट डूइंग गुड यार, तुम जानते नहीं हो, लोग बड़े पागल हैं, ये कर दे। तो मुझे लगा कि यार मरना वरना तो एक ही दिन है, हम तो बचपन से एक ही बार सुनते आए हैं कि एक ही बार जाना होता है और अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया में कोई नहीं जा सकता। अब उसे आप अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, कोई भी कहें, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो उठा लेगा और उसकी मर्जी नहीं होगी तो आज अडवाणी जी भी मौजूद हैं और मुरारजी देसाई भी 100 साल के बाद गए, तो किसी के चाहने से कोई जाता बाता नहीं है। तो ये डर कभी भी ना यूनिवर्सिटी में था मुझे ना आज है, लिहाजा मैं अपनी बात को पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूं और ये भी कहता हूं कि कहीं कोई मेरा फैक्ट गलत हो सकता है तो आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन जो काम बात मैं रख रहा हूं उन बातों को आप उठाइए। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं जो आपने भी बहुत सुनी होगी और हिंदुस्तान में बड़ा वो हुआ, अब ये कश्मीर को लेकर के एक नैरेटिव बना हुआ था, कश्मीर 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 के बारे में जब भी बात होती थी लगता था पता नहीं कश्मीर क्या चीज है। लेकिन ताज्जुब देखिए कि पिछले 70 सालों में भारत के आईन में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को छुपा के रखा गया, कभी उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, अक्रॉस द पार्टी किसी ने चर्चा नहीं की ये कैसे आया क्यों आया। और उसको कश्मीर के संविधान में जब ऐड किया गया तो उन्होंने उसमें ये कहा कि हम इसे 1954 जब ये पास हुआ तब से न लेकर के हम 44 से लेंगे। अब उस पूरी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा और उसको जब मैंने सामने रखा तो लोगों ने कहा ये तो हमें पूरे देश में लोगों ने मुझसे कहा और मैंने कहा कि लोगों को आवाम को अगर आप अलर्ट कर दें उनको अवेयर कर दें तो सरकारें आज नहीं कहीं डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेट वोट दे की ताकत होती है। और इस सरकार के सामने भी हमने यही रखा, सरकार से हमने कोई गुजारिश नहीं की, हम कश्मीरी भी नहीं थे। यहां तक बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जब PIL हमारे साथियों ने डाली तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये आर्टिकल भारत के संविधान में है क्या, तो दिस इज द लेवल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आपने इतने सारे पाप करके छुपा रखे हैं और जब भी कोई इनके बारे में बात करेगा तो आप उसको इतना डरा देंगे कि वो आपके सामने सवाल ही ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड कर रखे हैं आपने, हिस्ट्री में फ्रॉड कर रखे हैं आपने, लिटरेचर में फ्रॉड कर रखे हैं और उन नरेटिव को आप चलाए जा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी नरेटिव को आप मानने को तैयार नहीं, आप कहते हैं किसने किताब लिखी है किसने किताब नहीं लिखी है, तो भाई आप खुद ही आप लोगों ने किताबें लिखी और खुद ही आप लोगों ने पढ़ा दिया। तो अब अगर हम इरफान हबीब को जब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि शिवाजी इसे पहाड़ी चूहा, मैंने कही तो कमाल की बात है भाई। तो आप हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट बताते हैं, आप महाराणा प्रताप को नहीं बताते। तो तब मुझे लगा कि इस देश में हजारों सालों से जो हिंदू हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके अंदर एक हर्ट है और वो अपनी हर्ट फीलिंग को कहीं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर हमने ये फीलिंग की तो हम आउटकास्ट हो जाएंगे, सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाएगा। वो हर्ट फीलिंग मैं आज जब बात करता हूं तो मैं ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने शायद मेरा ख्याल है कि 80 से उम्र की ऊपर होगी ताहिर भाई, वो रोने लगते हैं और वो मतलब किस तरीके से कहते हैं कि हमने किन दबाव में काम किया है, हम जब वो इतनी दुआएं देते हैं कुछ पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज मुझे ऐसी मिली बड़े बड़े ओहदे वाले जो अपने जेवर लेके मेरे पास आ गए, तब मैंने कहा कि मैं तो एक बड़ा साधारण सा आदमी हूं, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि इन लोगों के आज जो मैं कह रहा हूं वो इनके दिलों को इतना ज्यादा गहरा हर्ट कर रहा है और वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे। तो जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत के संविधान में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कहीं कोई मतलब नहीं है,
कि माइनॉरिटी कौन है और मेजोरिटी कौन है, लेकिन ये झूठ चल रहा है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बनी हुई है और माइनॉरिटी कमीशन भी बना हुआ है। और अब हमने एक नया हमारे साथियों ने, एक टीम ने एक कोर्ट में केस डाला है। आप देखिए कि 1993 में एक नोटिफिकेशन हो गया, और 1993 में क्यों नोटिफिकेशन हो गया उसको ध्यान में देखिए कि उस वक्त 1992 के अंदर भारत के अंदर बाबरी मस्जिद नाम की एक जगह थी जो मंदिर वंदिर पे तोड़ के बनाई गई थी, उसको मिसमार कर दिया लोगों ने। तो 92 में कांग्रेस के वजीर आजम थे दिल्ली में, तो ताहिर भाई क्योंकि मस्जिद मिसमार कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के दौर में हुई, तो आपने क्या किया कि 93 में रातों रात खड से आपने जो है एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया और एक नोटिफाई कर दिया कि साहब माइनॉरिटी कमीशन बना दिया हमने। अब वो माइनॉरिटी कमीशन में किसी को ये नहीं पता कि उस बता दिया गया साहब इसमें सिख हैं, इसमें बौद्ध हैं, इसमें क्रिश्चियन हैं, इसमें पारसी हैं, भाई ये माइनॉरिटी में है। अब जब हमने 92 के बाद देखा कि सरकार को अपने दामन पे से दाग धोना था तो सेकुलर होने के लिए उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन क्रिएट कर दिया। आज जब हमने PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली और ये पूछा है 1993 में, 1993 में ये जो आपने बनाया ये तो कहीं है ही नहीं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमने RTI डाली तो RTI में पता चला कि ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है हमारे यहाँ, कोई 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 डेफिनेशन ही नहीं है माइनॉरिटी की। और उसकी वजह से क्या कमाल का नोटिफिकेशन है कि आज की डेट में लक्षद्वीप नाम की एक जगह है हिंदुस्तान में, लक्षद्वीप में 2% हिंदू रहते हैं, 98% मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजोरिटी में है और 98% मुसलमान वहां माइनॉरिटी में है। मिजोरम में 3% हिंदू में है और बाकी 97% क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजोरिटी में है। अब आप मुझे बताइए, इसको सवाल उठाना लोग कहते हैं कि यू आर एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। तो ये जो रैशनैलिटी का झगड़ा है, यानी वो तो सोसाइटी से जैसे खत्म हो गया ना, इरेशनैलिटी प्रिवेल करेगी ये हम देख रहे हैं। इस वक्त की जो भारत की सूरत हाल है पुष्पेंद्र भाई, आपको लगता है कि रैशनैलिटी वापस आएगी, वो जो मेजॉरिटी है जहाँ पे मेजॉरिटी मेजॉरिटी भी है वो भी माइनॉरिटी की तरह ही ट्रीट हो रही है, तो क्या ये जो एक वापसी का सफ़र है हो सकता है किसी वक्त? मुझे मुझे लगता है कि देखिए, एक तो कहते हैं ना कि सर कभी कभी कोई आदमी नशा करता है ना, तो नशा करते करते वो इस लिमिट पे पहुंच जाता है कि उसको ये कभी डॉक्टर ये उम्मीद करता है कि शायद ये कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसका इलाज होता है तो डॉक्टर उसको नशे की दवा बहुत मिकदार में नहीं देता, थोड़ी कम मिकदार में देता है और धीरे धीरे उसकी उस मिकदार को घटाता है और फिर वो उसके उस लेवल पे लाता है जहां वो नॉर्मल उसका इलाज करना शुरू हो। मुझे लगता है कि 70 सालों में और आज़ादी की लड़ाई में और तमाम कुछ जो चीज़ें हुई उसमें इस देश में मुसलमानों को बहुत पैम्पर करने की कोशिश की गई और मुसलमानों की नाजायज़ मांग को मानना ही सेकुलरिज्म हो गया। अगर आपने मुसलमान की नाजायज़ मांग नहीं मानी वो कैसी भी हो, और धीरे 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 मुसलमान ने अपनी इस एटीट्यूड को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लिया। वो उसने कहा कि हम इतना डराएंगे इनको कि इस्लाम के बारे में जो थ्योरी वो बताते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में जो बताते हैं, कुरान को जो रेफरेंस देते हैं, हदीस का देते हैं, शरिया का देते हैं, एक एवरेज हिंदू इस्लाम के बारे में वही जानता है जो मुसलमान उन्हें करता हुआ नजर आता है। वो नमाज पढ़ने जाता है, वो कुर्बानी करता है, वो रोजे रखता है, वो अजान देता है, उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। लिहाजा आज पहली बार ये हो रहा है पिछले 6 साल में कि जिस मुसलमान को ये आदत पड़ चुकी थी कि हम जो भी करेंगे वो जस्टिफाई है, हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, संविधान में बाद में मानेंगे, पहले हम जो हमारी किताब है उसको मानेंगे, तो एक तरीके से कहते हैं ना कि ढीठ हो जाना और उस नशे की हालत में चले जाना कि हमें किसी कीमत पे मानना ही नहीं। लेकिन एक डिस्पेंसेशन बदला तो कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे हज की सब्सिडी आप लेते थे तो बहुत बार लोगों ने कहा, लेकिन उस जमाने ये कहा था भारत सरकार सेकुलर है, ये हज की सब्सिडी क्यों देती है इनको। लेकिन जब उसका दूसरा नैरेटिव लोगों ने निकालना शुरू किया, हम जैसे पागलों ने, कि भाई कुरान मजीद में लिखा है, इस्लाम में लिखा है कि हज तभी वाजिब है जब आप अपने पैसे से जो ईमानदारी से कमाई हो उसी से करें, ये आपको काफिर के पैसे से हज करने का कैसे आप मानते हैं। तो अब इस पे बहुत सारे मुसलमान डिफेंसिव होने लगे,
उनको लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो ये समझने लगे कि अगर हिंदू हमारे ऊपर कुरान का हवाला दे करके, हदीस का हवाला दे करके, सऊदी का हवाला दे करके बात करेगा तो फिर हम बड़े डिफेंसिव होंगे। तो धीरे धीरे एक वर्ग तैयार हुआ और उनको लगने लगा कि अब हमारे ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा ये जो सवाल खड़े होना ही है, इसमें मुसलमानों में एक बड़ा, जो मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी एक मंथन चल रहा होगा, क्योंकि लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ताकतें बहुत डीप रूटेड हैं जिन्हें लगता है कि वो ओवरथ्रो कर देंगे सरकार को, और जब भी ओवरथ्रो कर देगी तो हमारी पावर बनेगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मैं चेंज मानता हूं, जिसको मैं पॉजिटिव देखता हूं, कि इस हुकूमत ने एक नाजायज तरीके से भारत की रिपब्लिक धरती, डेमोक्रेटिक धरती के ऊपर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट को आपने पूरे तौर पर इस्लामिक स्टेट बना दिया, जिसे आप जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये 370 गलत तरीके से था, वहां का संविधान भी अलग था, तो उसको जब हटाया तो पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये लगा कि इस देश में जो हमने एक इनविजिबल सत्ता एक लंबे समय से जो बनाई हुई थी, अब वो टूटती नजर आ रही है और हम उसको लॉजिकली रीजन के साथ हम उसको बचा नहीं पाएंगे। हमने जो डराया था तो डर वाली बात तो खत्म हो गई है, लेकिन अब हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बचा पाएंगे, हम पब्लिकली फेस नहीं बचा पाएंगे, और हम इस बात का कैसे जवाब देंगे कि हिंदुस्तान में एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने अलग कर दिया था, वहां की नागरिकता यानी वहां की शहरियत लेने के लिए भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को परमिशन नहीं थी, और उसी में वहां हिंदुस्तान का आदमी नहीं रह सकता था लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वहां 98,000 जाके बस सकता था, और उसी के अंदर 5,00,000 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मस्जिदों का, इस्लाम का, कुरान का, अजान का सहारा लेकर के आपने सिर्फ इसलिए कि उनकी जो पूजा पद्धति थी, जो उनका फेथ था, आपने मार के निकाल दिया, और इस पे लोगों का रिएक्शन नहीं हुआ। और जिस वक्त ये सानहा हुआ है, उस दौरान कश्मीर का ही आदमी भारत का वजीर दाखला था। तो आप सोचिए कि ये घटना ने उस वक्त मुसलमानों को पूरे देश में मैसेज दिया कि आप कुछ भी कर लें, इस देश की हुकूमत और इस देश का समाज आपसे डरा। उस पर वो रद्द अमल नहीं हुआ, जिस 5,00,000 लोग इस भारत में सड़कों पे घूम रहे हैं 30 साल से, अपने उनका कोई कसूर ही नहीं है। तब मुझे लगा कि देखिए, अखलाक नाम के किसी एक आदमी की हत्या की, जाने में की, अनजाने में की, जानबूझ के की, मुसलमान होने की वजह से की कि उसके पास गए, एक आदमी की हत्या हुई ताहिर भाई, और हिंदू समाज के लोग ताकत से खड़े हो गए कि यह गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। और बाकायदा लोगों ने, पुलिस हिंदू थी, निजाम हिंदू था, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई, और कोई साथ, ठीक है, को हमेशा 5-10% लोग हमेशा साथ, लेकिन मेजोरिटी ने तो कहा कि यह गलत हुआ। लेकिन आपने अखलाक की कहानी तो यूएनओ तक पहुंचा दी, बिहार के चुनाव में इस्तेमाल कर ली, लेकिन वही मुसलमान जो इतना ज्यादा मतलब इंसानियत का, और कुरान में तो साहब ये लिखा है और हमारे हदीस में तो ये जो आपने डेफिनेशन थी, इनको आपने स्लोगन और एडवर्टाइजिंग की तरह इस्तेमाल किया, कभी अमल तो नहीं किया आपने। तो आप 5,50,000 हिंदू इस देश में मुसलमानों के हाथों मारे गए, सबके सामने मारे गए, और 30 साल पहले मारे गए, ना औरंगजेब था, ना बाबर था भाई हमारे, तब उस पर तो हमने एक देश में एक कंडोलेंस मीटिंग नहीं देखी। तो इन मुद्दों को उठाने के बाद से आज मुसलमान को लगता है कि हमें अब इस देश में अगर एक हिंदुस्तानी की हैसियत में रहना है तो हम ये नहीं कर सकते कि संविधान में लिखा है, भारत के आईन में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है तो फिर वो ये सरकार लाए, इसको लाना पड़ेगा, हमें मानना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे चाहे वो 370 हटी, आर्टिकल 35 पे हटा, निकाह हलाला का मामला हुआ, तलाक के मामले का मामला हुआ, तो वो फोर्सेस जो ये समझती थी कि हम मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों से ये हुकूमत हमको मिलनी चाहिए थी, इसके बारे में तो कुलदीप नैयर जैसा भी लेफ्टिस्ट आदमी लिख के गया है। तो उन मुसलमानों को लगने लगा कि ये संविधान जो है वो ठीक है, लेकिन हम संविधान से ऊपर हैं और हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो पाकिस्तान की तरफ हम मुंह देखेंगे, बांग्लादेश की तरफ मुंह देखेंगे, और फिर गिनती की बात आने लगी कि हमारी गिनती ऐसी। तो ये चीजों पर थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेक लगा है, और ब्रेक लगना ही जो है वो इस समय इस देश में उन लोगों ने एक नया नैरेटिव क्रिएट ये करा है कि जब भी आप उनके ऊपर बात करेंगे कहेंगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। यहाँ पर जी यहाँ पर दो सवाल भी उठते हैं। आप जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, क्या आप समझते हैं कि जो भारत का आम मुस्लिम है वो तो
इसका यूज टू हो गया, आदि हो गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो कैसे आदि हुआ। वो तो यूज हुआ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जिन्होंने वोट बैंक का कारोबार किया, जिन्होंने कम्युनलिज्म का कार्ड खेला, तो वो तो उनके हाथों में जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, जो जो ले मैन मुस्लिम है, वो यूज़ हुआ। उसको पता भी नहीं चला कि ये क्या खेल तमाशा हुआ। क्या ये सीन है या ग्रॉस रूट से मुसलमान ऐसा ही समझते हैं, या सिर्फ उनकी एलीट मुस्लिम लीडरशिप ने और वो जो लेफ्ट की क्लास है और जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनके हक में जाती थी, क्या उन्होंने यूज़ किया? एक तो ये सवाल है, और उससे जुड़ा हुआ दूसरा ये है कि क्या अब जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके नतीजे में कोई खौफनाक रिएक्शन जो भारत के समाज पर पड़ता हो वायलेंस की सूरत में, वो आपको नज़र तो नहीं आता? ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जानने के लिए हमारे लिए। देखिए, इसमें एक बात तो साफ है कि कमोवेश एक आम आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं होती पॉलिटिक्स में, बहुत ज़्यादा उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके बिहाफ पे क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मुझे तो ऐसा भी लोग मिले पाकिस्तान में मेरे अपने दौर में, जो लाल खां के नाम से बहुत मशहूर थे, उनकी फैमिली में गया, मुझे पता चला कि साहब ये बताया जा रहा था कि जब पाकिस्तान बनने की बात जिन्ना साहब ने कही तो लोग समझते थे कोई हेलीकॉप्टर बन रहा है पाकिस्तान, किसी को पता भी नहीं था कोई मुल्क बन रहा है, तो बहुत सारे लोग सोचते थे एक हेलीकॉप्टर बनेगा, उसमें शायद मुसलमान जाएंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने की। तो मुझे लगता है कि हम ये कहें कि मुसलमान जो है वो शुरू में इस्तेमाल हुआ और अब वो इलीट वाली बात जो आपने कही, तो 1946 का इलेक्शन अगर आप देखें जिस बुनियाद पे हुआ, उस इलेक्शन से साफ हो गया कि यहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान था उसने जिस तरीके की वोटिंग 1946 में की और मुस्लिम लीग के उसमें की, और 102 सीटें जो जिसको आज आप लोकसभा कह सकते हैं उसकी थी, उसमें 30 सीटें मुसलमानों की रिजर्व थी, वो 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती, यूपी की सीटें 80% मुस्लिम लीग ने जीती। तो उस वक्त का नारा 46 का है, वो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उस जमाने मुसलमान और यहाँ के कहते थे और मुस्लिम लीग के लीडर कहते थे कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। लेकिन साहब पाकिस्तान पे तो वोट दिया तो 98% मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। ये बात अलग है कि यहाँ से 2% लोग नहीं गए, और उन इलाकों में कभी जिन्ना साहब खड़े नहीं हुए। जिन्ना साहब आज भी वो जो सीट महाराष्ट्र में है बॉम्बे के अंदर, बायकुला नाम की एक सीट है, जिन्ना साहब वहां से खड़े हुए और वहां से जीते थे, वो सीट तब से लेके अब तक वहीं से मुसलमान जीत रहे हैं। तो मुस्लिम लीग ने कोई सीट वहां जीते ही नहीं, जो इलाके आज उनके पास है, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये तो यूपी बिहार के तमाम मुसलमानों से जीते। जो बात आपने कही है मैं आज उसको इसलिए थोड़ा सा मानता हूं कि एक समय गैप था कि मुस्लिम इलीट में और मुसलमान आम आदमी के अंदर ये गैप था, लेकिन ओवर द टाइम भारत में मुसलमान होना एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन है। लोगों को लगता है कि इसमें रहने में हमको फायदा है, अगर हम वापस होके हिंदू भी हो जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव सरकारें आई हैं उन्होंने हमेशा हिंदुओं को यह कहा है कि भाई आप खामोश रहें, आप चुप रहें, आपको नहीं बोलना है, हम देखेंगे, ये सरकारें कहती रही हैं। लिहाजा आज आप देखें कि सड़क पे बैठने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, चाय बनाने वाला मुसलमान, कुली का काम करने वाला मुसलमान, वो उस पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर पार्टी बन गया, वो पार्टी बन गया आज। तो मैं इरफान हबीब जैसे पॉलिटिकल, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही इलीट लोग थे, लेफ्टिस्ट थे, या आरिफ मोहम्मद खान साहब आज गवर्नर हो गए और वो वहां मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मुहिम चल रही हो या कोई ये कोशिश कर रहा हो कि मुसलमानों को हम सच बताएं, सच समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो वो मिथ टूटेगा, और अब मुसलमानों की पोजिशन इस देश के अंदर यह है कि जो नारे हमने कभी बचपन में सुना करते थे बहुत पहले, वो नारे अब सरे मंजर लग रहे हैं। जो नारे अभी शाहीन बाग में लगे, जो नारे अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगे, तो जो मैं नहीं मानता, क्या कहते हैं कि आज मुसलमान जो है वो इस 70 साल के बाद में वो कोई बहुत उसके अंदर कोई बहुत ही शऊर सियासी पैदा हो गया है। हाँ, उसको ये समझ में आ गया है कि भारत की हुकूमतों को कैसे दबाया और धमकाया जा सकता है। तो जिस तरीके के नारे लगे कि हिंदुओं की खबर बनेगी एएमयू के अंदर, हमें चाहिए जिन्ना वाली आज़ादी, तो ये पहले कोई नहीं कहता था। अब शायद लोग इसलिए कह रहे हैं कि अब उनके पास विक्टिम कार्ड खेलने का ओपन मौका है,
और विक्टिम कार्ड इसलिए खेलते हैं कि भाई देखिए साहब प्राइम मिनिस्टर है, एंटी मुस्लिम है, बीजेपी है, आरएसएस है। तो ये आरएसएस और बीजेपी विश्वहिंदु परिषद का नाम लेकर के इनको दुनिया में सिंपैथी लेने, और वो तमाम लेफ्टिस्ट जो हमेशा से इन फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने एक नैरेटिव गलत बनाया है, वो कभी भी अब इनको निकलने नहीं देंगे। और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि अब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बात आपने दूसरी कही है वो मुझे, मैं बहुत वाजे तौर पे कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, और इसको मैं अंदर ही अंदर जो एक कहते हैं कि आग सुलग रही है, और वो मुझे लगता है सुलग नहीं रही है, वो दहकने वाली स्थिति में आ गई है इस देश में। ताहिर भाई मैं नहीं जानता मेरी बात गलत हो, मैं अक्रॉस जितना लोगों से मिलता हूं, जो भी लोग हैं, एक तो लोग होते हैं इमोशनल, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र, ये तो इमोशनल मानता हूं मैं, लेकिन एक रीजनिंग वाली क्लास है जो सिस्टम में बैठी थी, जो डीआईजी थे, डीजी थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज जब उनका गुस्सा देखता हूं तो नीचे की क्लास में और ऊपर जो हिंदू की इलीट थी उसके बीच का भी गैप कम हुआ है। और आज जिस तरीके से मुसलमानों के गुस्सा खिलाफ कह दें, जो ऊपर के इलीट में है वो नीचे भी है, यानी रिएक्शन जिसको हम कहें, जी रिएक्शन कह सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छे मैं हालात की तरफ ये मुल्क जा रहा हूं मैं नहीं देखता। ये ठीक है, हुकूमत है, हुकूमतों का काम है, पुलिस है, सेना है, ये तो एक फेस होता है, लेकिन सोसाइटी को कभी पुलिस नहीं चलाती है, सोसाइटी को कभी संविधान नहीं चलाता है, सोसाइटी अपने अंदर एक ऐसे हालात पैदा कर लेती है कि उसको बात बात में कानून, बात बात में आईपीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मुल्क मेजॉरिटी को हजारों साल के बाद अपने होने का एहसास हो रहा है, उनको लग रहा है कि जो बातें हमने सुनना तक हमारे लिए अलाउ नहीं था, अब हम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, और बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, वो तमाम सारे लोग इस पूरे मूवमेंट में शामिल हो गए हैं। इसलिए आज भले ही टेलीविजन ने इतना लोगों को अवेयर कर दिया हो, और ये जो सोशल मीडिया है इसने अवेयर कर दिया हो, तो छोटी सी बात का काउंटर आता है, खटाक से आता है, रीजन के साथ आता है। तो मुझे लगता है कि ये देश, आप माने या न माने, ये देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। वो कब होगी मैं नहीं जानता, लेकिन सोसाइटी में गुस्सा इसलिए है कि उसको इस बात का अफसोस है कि हमने सब कुछ किया, हमने टैक्स दिया, हमने मुल्क बनाया, हमने सड़कें बनाई, हमने रेलवे, लेकिन कुछ लोग इस मुल्क को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भरे हैं कि ये नहीं मिला मुल्क तोड़ देंगे, ये नहीं मिला हम ऐसा कर देंगे। तो ये जो दबाव है, ये जो धमकी है, ये जो डरना है कि आप सरकारों को डराएंगे, आप किसी नाजायज बात को भी मनवाने के लिए रेलों में आग लगा देंगे, बसों में आग लगा देंगे, तो लोग तो डरे हुए हैं। आज लोग पुलिस से कहते हैं कि पुलिस क्यों नहीं शूट कर रही है, ये हुकूमत क्या करे, यानी एक सरकार ऐसी है जो लगातार इस कोशिश में है कि रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली भी बहुत ज्यादा दबाव है इस बात का कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए, अगर हिंदू को गड़बड़ कर रहा है तो गोली से मार, जहां कुछ कर रहा है तो वहां आपका सॉफ्ट हैंड है, और जहां हिंदू करता है तो वहां आपका हार्ड हैंड। तो ये जो जब रीजनिंग क्लास में आ जाता है, जब एजुकेटेड क्लास में आ जाता है, जब सिस्टम के अंदर आने लगता है, तो ये दबाव जो है कभी ना कभी फूटेगा। और समय समय पे इस वक्त हिंदू आइडियोलॉजिकली, हिंदू अपनी उस एहसासे कमतरी से बाहर निकल करके, उसको जब ये लगता है हम कौन थे, कहाँ से आए थे, हम किस धर्म के मानने वाले थे, हमने दुनिया को क्या दिया, ये जब उसके अंदर वो पढ़ता है, देखता है, और हम तमाम सारे लोग जब बात करते हैं, तो एक अजीब सी उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है, और उसको लगता है कि जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। तो वो शायद अब इस धोखे को एक मिनट के लिए बर्दाश्त करने वाला नहीं है, एक मिनट के लिए उसको टॉलरेट नहीं करना चाहता, वो बहुत जल्दी में है। और इस जल्दी की वजह से ही मुझे लगता है कि जो हालात हैं, मैं जिस तरीके के लेक्चर देता हूं, जो लोग आते हैं, मुझे लगता है कि मुल्क के हालात बहुत बेहतर नहीं है। और इसमें जो लोग बार बार धमकाते थे, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो अगर ये आवाजें किसी भी देश के अंदर जो माइनॉरिटी हो, अगर वो इस किस्म की अल्फाज बोलेगी, तो कमोवेश मेजॉरिटी का रिएक्शन जरूर होगा। और दूसरी बड़ी बात जो गलतफहमी है यहां कि ये कहा जाता है कि साहब देखिए अगर आपने एक नहीं कहा तो मुसलमान आतंकवादी बन जाएंगे, तो भाई मुसलमान आतंकवादी भारत में तो चलिए बन जाएंगे, तो भाई सीरिया और लीबिया में क्या कर रहे हैं, उसामा बिन लादेन क्या किस वजह से बना था,
तो ये जो मतलब एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें मैंने ये कहा बार बार इस हिंदुस्तान में कि देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि टेररिज्म जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी करती है और वही सक्सेसफुल होता है। तो कश्मीर में अगर आतंकवाद सक्सेसफुल हो रहा है तो महबूबा मुफ्ती से लेके अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से लेके हुर्रियत, ये तमाम सारे लोग और कमोवेश वहां की सोसाइटी उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करती है। वो किसी के घर में छुपते हैं, किसी के घर में खाना गाते हैं, कोई हथियार लाता है, जब वो आर्मी वालों से लड़ रहे होते हैं तो पीछे से मुसलमान वहां के पत्थर फेंक के किसकी मदद करते हैं। पंजाब में भी जो टेररिज्म हुआ बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी, इन दो स्टेट में हमने टेररिज्म देखा, तो एक जगह वहां मुसलमान मेजोरिटी में थे, पंजाब में सिख मेजोरिटी में थे, तो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चला। उस मूवमेंट में 42,000 हिंदू मारे गए ताहिर भाई, इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हजारों सदियों से जो सबसे खामोश कम्युनिटी है, जिसके जहन में जिसकी किताबों में हिंसा नाम का शब्द ही नहीं है, आप मुसलमानों ने पिछले 70 साल में इस हिंदू को जिसे आप कायर कहते थे, कावड़ कहते थे, टिमिड कहते थे, सबमिसिव कहते थे, ये लड़ना ही नहीं चाहता था, ये रिएक्शन ही नहीं देना चाहता था, ये अपनी आवाज में जोर से नहीं बोलना चाहता था, ये जोर से चिल्ला के आपको गाली नहीं दे, आज आपने उसको बैक टू द वॉल ला दिया है और अब वो रिएक्शन करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये मुसलमानों को इस मुल्क तय करना है कि भाई हम किस दूर तक इस देश के हिंदू को लेके जाएंगे। जब आप नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं और क्या क्या नहीं कहते, आप खुल्लम खुल्ला कश्मीर के अंदर नारे लगे कि हमें चाहिए कश्मीर कश्मीरी मर्दों के बगैर और कश्मीरी पंडित औरतों के साथ, और मस्जिदों से लग रहे थे और देश खामोश था और सेकुलरिज्म जिंदाबाद चल रहा था, दिल्ली में भी सेकुलरिज्म था, पूरे देश में सेकुलरिज्म था। तो ये सेकुलरिज्म जो है इससे सबसे ज्यादा हेट हिंदुओं को है, और लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म का मतलब है मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानना। लेकिन यही बात माइनॉरिटी के अगर एंगल से देखें तो पंजाबी 2.5% है इस देश के अंदर, पारसी 50,000 इस देश के अंदर, सिख है, बौद्ध है, जैन है, उनको माइनॉरिटी कभी नहीं माना गया। एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया माइनॉरिटी मींस मुसलमान, तो मुसलमान अगर इस देश में 25 से 30 करोड़ भी है तब भी माइनॉरिटी है, तो आप यूएनओ को भी नहीं मानते, भारत के संविधान। तो ये जो बात आपने कहा है कि इसके क्या इम्कानात होंगे, मुझे लगता है कि अभी हुकूमत है और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी शायद इस बात को सेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश यह है कि मेजोरिटी वोलेटाइल ना हो जाए, क्योंकि आखिर ये मुल्क तो सबका ही है। लेकिन मुझे लगता है कि लंबा गुस्सा है और वो दिन अल्लाह न करे आए, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, और वो चाहे अभी आप हाल के दिनों में देखें कि कोरोना वायरस से लड़ने का मौका आया तो मुसलमानों ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो इससे लड़ेंगे नहीं, हम तो डॉक्टर को मारेंगे, हम तो पुलिस को मारेंगे। तो ये गुस्सा है लोगों में, जो लोग कल तक पुलिस को बुरा भला कहते थे आज हिंदू समाज पुलिस के साथ खड़ा हो गया है, आज आर्मी के साथ खड़ा हो गया है और सरकार पर दबाव बना रहा है कि आपको एक्शन करना चाहिए। जब गोली से मार देते हैं तो आपके दो लोग ऐसे उतरते हैं कि कश्मीर में जब किसी को गोली से मारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं आप उनके ऊपर प्लास्टिक की गोली चलाइए, और हरियाणा में आप जब गोली से पॉइंट ब्लैंक मार देते हैं तो वहां ना सुप्रीम कोर्ट को ह्यूमन राइट नजर आता है। तो ये फार्स जो क्रिएट किया था इसके खिलाफ मेजोरिटी में गुस्सा ही नहीं है, वो रिएक्शन दे रही है। आपने और कहा ये आपने कहा कि खतरा ये है कि मुल्क किसी पोटेंशियल सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, और अगर ऐसी सूरत है हो किसी वक्त पोटेंशियली तो उसका ख़तरा तो और उसका नुकसान तो भारत को ही होगा। क्या क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है आप समझते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स किया जा सके या बात इस तरह की जा सके, एक जो कन्वर्सेशन मुस्लिम्स और हिंदू में बढ़ सके ताकि कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो और वो कंट्री को ओन करें, उम्मा की बात बाद में करें, पहले कंट्री की करें। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब बीच बीच में कोई भी मुसलमान लीडर चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी हो, जब भी कोशिश हुई तो मतलब पहले से शर्त ये तय करके बैठे हम कि हम डायलॉग में जाएंगे लेकिन बात करेंगे कि ताजमहल पे बात होनी होगी और कुतुब मीनार पे नहीं होगी और इस्लाम पे नहीं होगी और मस्जिद पे नहीं होगी और इस पे नहीं होगी और माइनॉरिटी करेक्ट। तो आप ये चाहते हैं कि जो कुछ अपने नाजायज तरीके से ले लिया है वो तो रह गई रहेगा और हमें इसमें ये मिलना चाहिए। तो आप जब इस शर्तों के साथ जाते हैं तो एक तो नहीं होता,
अब जैसे मैं अभी आपको हाल के दिनों की बात बताता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में आप जानते हैं, वो आजकल काफी कुछ बोलते हैं, लेकिन मेजोरिटी मुसलमान जो है वो आज भी हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो लेक्चरार हो गए, जो रीडर हो गए, जो प्रोफेसर, वो ये कहते हैं कि देखो भाई, अगर अगर मोदी की दलाली करने से गवर्नरशिप मिल जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, एक मुसलमान कम से कम गवर्नर बन गया। तो दिस इज द एटीट्यूड। अब अगर कोई रीजनिंग की बात आरिफ मोहम्मद खान भी कह रहे हैं या मौलाना वहीदुद्दीन ने बहुत कुछ किया, ये चीजें इसलिए फेल हो रही हैं कि आप सब कुछ, यानी आप पूरे देश में 57 सड़कें, अगर दिल्ली में अब मुगलों के नाम, उन्हें बरकरार रखना चाहते हो, पूरे बख्तियार खिलजी का नाम बरकरार रखना चाहते हो, तो तुम तमाम उन तमाम क्या कह सकते हैं कि उन शख्सियतों को जिंदा रखना चाहते हो जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने हिंदू को मारा है, औरतों को लूटा है, रेप किया है। तो कभी 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 ऐसा लगता है कि शायद कोई रीजन जो है वो शायद अब इसलिए प्रिवेल नहीं हो पा रहा है कि मुसलमान 70 साल में इस देश के की कमजोरियों को समझ गए हैं, हिंदू को समझ गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट को समझ गए हैं, लिहाजा और पूरी दुनिया में इस्लाम का और लेफ्ट का गठजोड़ कहीं नहीं है, लेकिन भारत के अंदर इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि जिसे आप सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत और तमाम ये जो लोग आपको नजर आते हैं कागजी, ये लोग चाइना के अंदर इस्लाम के साथ कश्मीर चाइनीज क्या कर रहे हैं इसका जिक्र नहीं करते। अगर कुछ हिंदू खड़े होकर कहें कि यहां नमाज नहीं पढ़ सकते तो इसे इंटॉलरेंट में आप काउंट करते हैं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता, चाइना के खिलाफ नहीं बोलता। पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरों के साथ इतने लोग मारे गए लेकिन हमने एक भी धरना प्रदर्शन नहीं भारत में देखा। इसराइल की गोली से अगर फलस्तीन में कोई मर जाए तो यहां का मुसलमान सड़कों पर जुलूस निकालता है। यहां के मुसलमान ने तो हिंदुस्तान की हुकूमतों को इतना डराया कि 25 साल तक यहां की हुकूमत ने इसराइल से संबंध रखे लेकिन पब्लिक नहीं किए। लेकिन यह अब शख्स आया, इसने सरे मंजर कर दिया रिश्तों को। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में रीजनिंग प्रिवेल अब नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार्गेनिंग के अंदर ही उन सब का सर्वाइवल है। तो आप अहले हदीस कह दें, आप देवबंद कह लें, आप बरेलवी कह दें, आप अलग अलग दुकानें कह लें, लेकिन आखिर में आकर के ये सब एक ही साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये बार्गेनिंग पावर को अपनी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उस बार्गेनिंग पावर में हिंदुस्तान की हुकूमत ने 70 सालों में ये मैसेज दे दिया है कि हम कितने भी पावरफुल हो जाएं, हमें 303 सीटें मिल जाएं, हमें 500 सीटें मिल जाएं, लेकिन भाई हम जो है बहुत कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये नाराज हो जाएं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। अभी भारत की हुकूमत है, उनपे कहा जाता है कि साहब ये हिंदूवादी हुकूमत है। इस हुकूमत ने भी पाकिस्तान के दो शहरी सलमा आगा और शामी को, अदनान शामी को यहां की नागरिकता दे दी। लेकिन पिछले 30 साल से एक महिला अपने ही देश से निकाली गई है, उसने कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं कही है और वो दुनिया में भागी भागी घूम रही है और हमारे यहां महिला की बड़ी पूजा होती है और महिला के अधिकारों की, वो इस मुल्क में रह रही है लेकिन यहां की सरकार उसे एक एक महीने का परमिट देती है, उसको नागरिकता क्यों नहीं देती? मैं तस्लीमा नसरीन की बात कर रहा हूं, क्योंकि तस्लीमा नसरीन का नाम से यहां का मुसलमान भड़क जाएगा, सलमान रश्दी के नाम से भड़क जाएगा। तो एक इस तरीके का बना दिया है कि आप आज भी हमारे देश में देखें कि 90% कानून मुसलमानों के लिए कुछ और है और हिंदुओं के लिए कुछ और है, कागज पे देखने को एक लगता है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि इनके बीच में से कोई अगर सेनर एलिमेंट आता भी है ना, तो ये उसको निगोशिंग टेबल पे लाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उस इंडिविजुअल का तो फायदा हो सकता है लेकिन पूरी कौम का फायदा नहीं हो सकता। तो इस तरीके, अब जैसे दिल्ली के अंदर आप सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में ताहिर भाई, यहां आप अपने घर के सामने एक इंच जमीन पे अपनी बाउंड्री वॉल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दिल्ली के अंदर इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंदर, इस वोट बैंक की राजनीति में 5.5 एकड़ जमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है और इस दरमियान में लोग अपने घर जा रहे हैं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेंट जा रहे हैं, आ रहे हैं, माइग्रेंट वही जा रहे हैं ना जिनका घर है। तो फिर ये दिल्ली में इतने सारे माइग्रेंट कहां से आए हैं ये पता नहीं रहा कोई, और इनको खाना दिया जा रहा है। तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली के अंदर बिना परमिट के बिना उसके रह रहा है, जमीन घेरी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन CAA के अंदर अगर पाकिस्तान से रेप के विक्टिम, लूट के विक्टिम, मारपीट के विक्टिम हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, तो उनको नागरिकता दी जा रही है, तो भी हिंदुस्तान में मुसलमान उसको विरोध कर रहा है, इंटेलेक्चुअल मुसलमान विरोध कर रहा है, जबकि उसमें तो कोई बात एंटी मुस्लिम नहीं है।
तो ये जो मैंने कहा कि ये जो मुसलमानों का विरोध है, ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग का स्ट्रॉन्ग टूल बन चुका है, जो 70 साल में सेकुलरिज्म की दुकानों ने इनको बांटा है, इनको पिलाया है। अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैंने शुरू में कहा ये नशे की उस कैफियत में जा चुके हैं कि इस नशे में इनको मजा है, लिहाजा हम नहीं छोड़ने को तैयार हैं। अब कोई बहुत बड़ा शॉक लगे, कोई जर्क लगे, कोई बिजली का करंट लगे तो शायद हो, लेकिन इस सरकार के दौर में छोटे छोटे झटके लगे हैं, लेकिन वो अभी भी ये मानते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। कितने दिन तक और है? अब तो लोग दुआएं करने लगे हैं कि भारत का गृह मंत्री मरने वाला कब है, अब उसके लिए दुआएं मांगते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ मांगते हैं। तो अब आपका जहन इस लेवल पे आ जाए, आप इतने दिवालिया हो चुके हो, तो फिर आप कहां निगोशिएशन की टेबल पे आएंगे? कोई कोई सूझबूझ की बात हो, कोई बात बीच का रास्ता निकले जिसमें तय हो जाए। तो आज हिंदू कहता है कि बीच का रास्ता तो आपने 1947 में भी निकाला था, तब भी आपने कहा था कि चलो समस्या खत्म हो गई, तो फिर समस्या 70 साल में खड़ी हो गई। अब हिंदू देने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। तो इस सारी सूरत हाल में पुष्पेंद्र भाई, आपको जो भारत का आने वाले सालों में जो पॉलिटिकल सिनेरियो नज़र आता है, क्योंकि भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो कुवतें सेकुलरिज्म का कारोबार 70 साल से कर रही हैं, 72 साल से कर रही हैं, वो तो चाहेंगे कि उनका कारोबार दोबारा, उनकी हट्टी दोबारा कायम हो जाए। तो लगता है कि कभी को 5-10 साल में फिर जब हट्टी उनकी वापस आए तो वही विशेष साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाए। आप देखें ना, अभी भी जहां जहां सरकारें नहीं हैं वहां क्या हो रहा है? नंगा नाच हो रहा है वहां सेकुलरिज्म के नाम पे। अगर मैं इसका जो सलूशन सोचता हूं ताहिर भाई, कि ये जो डिस्पेंसेशन है, जिस सोच का डिस्पेंसेशन है, ये अगर इस मुल्क में 20 साल रह गया, 20 साल रह गया, वो मोदी की शक्ल में हो, वो अमित शाह की शक्ल में हो, लेकिन एक ऐसा डिस्पेंसेशन जो गलत को गलत कहने से डरे ना, अगर ये 20 साल रह गया तो मुसलमानों को एहसास हो जाएगा कि सूरज अब पूरब से निकल रहा है और जमीन गोल है, ये जमीन चपटी है और पूरब वहां से नहीं निकल रहा है, ये गलत फहमी से बाहर आएंगे। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर 20 साल तक एक नरेटिव क्रिएट हुआ और सोसाइटी के अंदर जहन बना, तब एक ठहराव आएगा उस हिंदू के अंदर भी कि नाउ दिस इज आवर कंट्री, नाउ दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ हमारी हमारा सेफ गार्ड कर रहा है, हमारे मरने पे भी हमारे साथ वही वही सलूक होता है जो दूसरों के साथ होता है। ये जो उसका विश्वास अगर वापस लौटेगा और इनको ये लगने लगेगा कि अब हमारे साथ कोई झूठ की दुकान चलाने वाले, चाहे वो जिन्ना साहब की शक्ल में आए हो, फिर उसके बाद में चाहे अकबरुद्दीन हो, चाहे अजमल साहब हो, चाहे आजम खां हो, ये जो दुकानें खुली हुई हैं, ये अबू आजमी टाइप के लोगों की ये दुकानें, अब हमें दोबारा से हमें वहां नहीं ले जा सकती जहां हम जाने के लिए लेके आए थे, और हमें अब हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से रहना होगा। अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़ें, और मस्जिद जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो मस्जिद के नाम पर देश में जगह न घेरी जाए, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। और अल्लाह मियाँ और मोहम्मद साहब के जमाने से कभी माइक नहीं था, और माइक पे अजान देना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। अगर भारत में ये नियम बना हुआ है कि रात के 10 बजे से सुबह 10 बजे तक कोई माइक नहीं बजेगा, तो उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें पारसी भी है, उसमें शादी भी है, उसमें ब्याह भी है, तो फिर आप सुबह 4 बजे एक मोहल्ले में 5 मस्जिद लाउड स्पीकर लगा के आप अजान देंगे, और कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो आप कहेंगे साहब ये मुसलमानों की धार्मिक मजहबी भावनाओं का मामला है, तो आप हत्याएं भी करेंगे, मारेंगे भी, और कोर्ट भी इस बात से डरेगी तो फैसला नहीं होगा। तो अब यूपी के अंदर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कुरान शरीफ में अजान और नमाज इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं है, तो वहां कुछ नहीं बोल पाए लोग, तो अब वो फैसला लागू हो गया। अब ये फैसला लागू हो गया तो अब ये चलाएंगे कि देखिए साहब वहां तो हिंदू हुकूमत है। तो कुल मिलाकर के ये जो नैरेटिव है ताहिर भाई, ये बहुत दिन तक अगर ये डिस्पेंसेशन रहेगा तो ये जो मुसलमानों के अंदर जो सोच पैट कर गई है, एक दो पीढ़ी पैदा हो जाएगी अगले 20 साल के अंदर, और वो इस रियलिटी को देखेगी कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं जब हमारे लिए स्कॉलरशिप है,
जब वो ये देखेंगे कि एक हिंदू सरकार जिसे आप हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट सरकार कहते हैं, वो सरकार आपके लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, आपके लिए वजीफे दे रही है, आप पे ISPCS बन रहे हैं, तो जब वो कंपैरिजन करेंगे कि हमें पिछले 70 सालों में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहना के घुमाया और हमारी ना कोई बहुत बड़ी तालीम का फायदा हुआ ना हमारे लिए कुछ और बना, तो वो आज कहाँ है? तब उनको लगेगा कि हम भी वही पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बन सकता है, हमारे यहाँ भी CEO बन सकता है। वो विश्वास जब ही होगा जब यहाँ एक डिस्पेंसेशन ऐसा आए जो मुसलमानों की गैर जरूरी मांगों को अपीज न करे और रूल ऑफ लॉ को स्थापित करे। यही एक आइडियल सनातनी और हिंदू चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि यहाँ के मुसलमानों को भगा दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन आप कायदे में रहें, तमीज में रहें, जैसे दुनिया में सब लोग रह रहे हैं यहाँ भी रह रहे हैं। और ये नहीं होगा कि आप हमें डराएंगे कि यहाँ पे जफरुल इस्लाम खत लिख देंगे और कहेंगे कि साहब इस्लामिक देश जो है वो यहाँ आएंगे और यहाँ मुसलमान, इस तरीके की जो है आप ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और ये ब्लैकमेलिंग इस देश में चली इसीलिए 28 पार्टियां सेकुलर हैं और सारे सेकुलर हैं। 28 पार्टियां आप किसी का नाम ले लीजिए, लालू मुलायम से लेकर के कांग्रेस, इनका सेकुलरिज्म ये है कि ये खुलेआम खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमान और यादव मिल जाएं तो हम सरकार बना लेंगे, मुसलमान आ जाएंगे तो यानी मुसलमान इस देश में सेकुलरिज्म की गारंटी है कि मुसलमान को ले लो साथ आप सेकुलर हो गए। तो ये बीमारी लगी है सबको। तो अब नाजायज तरीके से जो आपका माइनॉरिटी कमीशन बना है, मुझे लगता है कि उस पर फैसला आएगा। मुझे लगता है कि इसके बाद में ये जो मंदिरों वाला मामला चल रहा है इस देश के अंदर कि आप मजारों का पैसा, गुरुद्वारों का पैसा, ईसाइयों का पैसा जो उनके फेथ पे आता है पैसा, उसे भारत सरकार नहीं लेती है, लेकिन मंदिरों पे जो पैसा हम चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं अपनी आस्थाओं के लिए उसका 80% पैसा सरकार ले लेती है। तो ये एक मामला कोर्ट में, तो ये बातें पहले कभी कोर्ट में नहीं थी, तो इस जनरेशन को भी नहीं पता था कि भाई हमारे अधिकार क्या थे, हम कौन हैं, कहां से आए। अब लोग हिस्ट्री को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये बदलाव अगर अगले 20 साल में होगा ताहिर भाई, तब हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई बेहतर रास्ता होगा। अभी ये उस दौर से निकल रहा है मुल्क जिसमें लोग पिछले कई सौ सालों और हजार सालों के गुस्से में हैं और इस बात से गुस्सा है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, हमें धोखे में रखा गया, हमारा इतिहास कुछ और है, हमें कुछ बताया गया। जैसे आप पाकिस्तान में इस बात से परेशान हैं कि वहां की किताबों में आपको पढ़ाया जाता है कि साहब वहां हिंदू कैसा होता है, ब्राह्मण चोर होता है, लालची होता है। यहां दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BA पास वन के कोर्स में, सरकारों को छोड़ दीजिए, ये तो डिस्पेंसेशन आ जाया, 10-15 साल से ये पढ़ाया जा रहा था कि भगवान राम की पत्नी सीता जो है वो रावण की छींक से पैदा हुई और जो जो उनके भाई थे लक्ष्मण उनके सीता जी से नाजायज संबंध, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में पढ़ाया जा रहा था, इसे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफा जो इस देश में चीजें चल रही थी वो रुकी हैं, इसलिए लोग इंटॉलरेंस का नाम ले रहे हैं, इस देश में हालात खराब हो रहे हैं, शशि थरूर जैसे लोग मौजूद हैं जो कोर्ट में भी जाके भड़का रहे हैं, कोर्ट के बाहर भी भड़का रहे हैं। तो इन लोगों को लगता है कि इनकी दुकानें तो इन्हीं के बल पर चल रही थी। तो अगर अगर सत्ता चली गई है तो मुसलमान को जितना भड़काएंगे और मुसलमान जितना इस देश में हुड़दंग और दंगा करेगा उससे ये सरकार भी थोड़ा सा बैकफुट पे आएगी और बाहर दुनिया भर में बदनामी होगी। तो ये लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में यह है कि वो शायद मेरा ख्याल है 15 साल अपनी ट्रेनिंग ठीक ठाक करके आए हैं, लिहाजा इतनी आसानी से डरते नहीं है, इतनी जल्दी अपोलोजिस्टिक नहीं होते, थोड़ा वक्त लगाते हैं। तो उस वजह से एक ऐसा सामना हुआ है 70 सालों के बाद कि मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मैं सिर्फ अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आज हमको भी लोग थ्रेट देते हैं, हमको भी गालियां देते हैं, हमको भी कत्ल करने पे नाम रख देते हैं। तो भाई कहते हैं तुम पढ़ने नहीं चाहते, तुम सच बात नहीं बोलना चाहते, कुरान में लिखा है वो भी नहीं बोलना चाहते, तुम कुरान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहते हो। तो भाई कुरान शरीफ तो कोई भी पढ़ सकता है, उस पर यह थोड़ी अल्लाह मियां ने कहा था कि ये सिर्फ इसको रहमत भाई और अरफान भाई पढ़ेंगे, तो किताब है उसे तो कोई पढ़ सकता है। अगर कोई उसके उसकी शान में गुस्ताखी करे तो समझ में आता है, तो शान में गुस्ताखी न करते हुए भी उसको किताब की तरह तो पढ़ा जा सकता है, उस पर डिबेट तो हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं इस पर डिबेट नहीं होगी और आपके यहां तो यह हालत है कि एक गली में मुसलमान कुरान को लेकर कुछ कहता है, दूसरी गली में कुछ कहता है, तीसरी गली में कुछ कहता है। तो भाई आप तय कर लें कि कौन सा कुरान चलना है आपका, अल अज़हर यूनिवर्सिटी का चलना है, सऊदीया का चलना है, ईरान का चलना है। तो ये तमाम सारी चीजें पहले नहीं थी, आज हिंदू खासतौर से जो नॉन मुस्लिम हैं वो इन इश्यूज को उठा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं, तथ्यों के साथ उठा रहे हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि जो हमारी और आप जैसे लोगों की ख्वाहिश है कि एक खूबसूरत
दुनिया बने, उस खूबसूरत दुनिया में हर आदमी अपनी बात कह सके, अपना अपने हिसाब से कपड़े पहन सके, अपने हिसाब से पढ़ सके, रह सके, किसी फेथ को फॉलो कर सके, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के ये दुनिया बिगाड़ी है और दानिश्वर लोगों ने बिगाड़ी है। इसको सही करने में हमें वक्त इसलिए लगेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई गलत फहमी में ऐसा हो गया हो, मुल्क गलत फहमी में बट गया हो, 1946 में कुछ हो गया हो, मौलाना आज़ाद ने किताबें गलत लिख दी हो, प्रोफेसर नूरुल हसन ने गलत लोगों को चुन लिया। बहुत सोच समझ के इस गुत्थी को दानिश्वर ने उलझाया है, इतनी आसानी से ये नहीं सुलझने वाली। और जब गुत्थी बहुत उलझ जाती है तो कभी कभी उस गुत्थी को उठा के नए सिरे से सिलसिला शुरू करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान में, मौजूदा में, आज भारत एक पूरे इंटेलेक्चुअल चेंज से, एक पॉलिटिकल चेंज से, एक सोशल चेंज से बाहर निकल रहा है और उसके अंदर के पिछले कई सौ सालों का जो जेन्युइन गुस्सा है, जो रीजनेबल गुस्सा है, उस गुस्से को एड्रेस करने के लिए वो सरकारों पे दबाव डाल रहा है और बराबरी की बात कर रहा है और लगातार वो यही कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उसको 70 साल में लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इनसे डरती है, संसद भी इनसे डरती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इनसे डरती हैं और पुलिस भी इनसे डरती है, लिहाजा अब कोई नहीं डरना चाहिए। ये एक बड़ी बहस है और हिंदुओं के बीच में है, सनातनियों के बीच में है, लिहाजा इस मंथन से जरूर कुछ अमृत निकलेगा और हम और आप अल्लाह ने चाहा तो अपने सामने इस मंथन को भी देखेंगे। मैं आखिर में दो बातें आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बीजेपी की सरकार है 6 बरसों से और मेजॉरिटी में है, 2 सरकारें अब तक उनकी बनी हैं, दूसरी सरकार चल रही है और ये बात पूरी दुनिया में रोशन है कि बीजेपी और आरएसएस का जो अलायंस है वो है और उसको वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेमोनाइज भी किया जाता है। आरएसएस बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ी हुई है सेवा के साथ, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के साथ और अपने जो एक पॉलिटिकल उनका एक नैरेटिव है उसके साथ, भारत की हिंदू सिविलाइजेशन के साथ। मैं बहुत कदर करता हूँ आरएसएस की, लेकिन पूरी दुनिया में, यहाँ हम कनाडा में, अमेरिका में बैठ के देखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के इस अलायंस को बहुत नेगेटिवली मीडिया में पोर्ट्रेट किया जाता है। आरएसएस हत्ता के भारत में भी इस मामले को इम्पॉर्टेंट नहीं समझती कि उस नैरेटिव को किसी तरीके से नेगेट किया जाए, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी पावर है, वो समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत आरएसएस को नहीं है? देखिए, आरएसएस के बारे में कुछ चीज़ें वाजे हैं कि आरएसएस को, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने झूठ को छुपाने के लिए आप एक दुश्मन को पाल के रखते हैं और अगर आप दुश्मन को खड़ा नहीं करेंगे, उसे दुश्मन नहीं बनाएंगे तो आपकी बात को सच नहीं मानेगा। सेकुलरिज्म इसीलिए जिंदा है और सेकुलरिज्म की दुकानें इसीलिए चल रही हैं कि इस देश में बाकी सारे लोग जो हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, हेट्रेड पे चलते हैं। आरएसएस मुसलमानों को खत्म कर देगी, आरएसएस का डर दिखा करके कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। तो आरएसएस तो जिस पर्पस से बनी थी उस पर्पस में सियासत नहीं था। आरएसएस की जो कैडर है उसमें से लोग निकल के जाते हैं और वो वहां सत्ता में रहते हैं और आरएसएस की तो कोई मेंबरशिप भी नहीं। आरएसएस में बहुत सारे लोग होंगे जो आरएसएस से निकले और जो कांग्रेस में चले गए होंगे। क्या सावरकर के मानने वाले वीएन गाडगिल नहीं थे? क्या वसंत साठे नहीं थे? क्या तिलक नहीं थे? ये तमाम सारे लोग भी वहां उस जमाने हार्डलाइनर कहलाते थे जिनकी सिंपैथी आरएसएस के साथ थी। लेकिन आज आरएसएस जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट करने वाली चीज है और इसलिए सॉफ्ट लगता है कि हम बार बार ये बताएं कि नाथूराम गौडसे को गांधी जी को मारा था नाथूराम गौडसे ने, वो आरएसएस का सदस्य था। अब सवाल यह है कि आप आरोप लगा दें और उसके बाद भाग जाएं। अब आरएसएस साबित करे कि भाई वो हमारा सदस्य नहीं था। तो इसी तरीके से आरएसएस जो सोशल फ्रेमवर्क में जो काम करता है, एक तो उनकी खास बात यह है कि वो कोई बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करते, कोई पीआर नहीं करते, बहुत ज्यादा उसमें रहते नहीं है
और उनके यहाँ कोई कोई तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा, किसी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है तो वो आरएसएस छोड़ के जाए और जो पार्टी ज्वाइन कर ले कोई, किसी ने उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि हमारे यहाँ से लोग जो जाएंगे उसे बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसको जहां जाना है चले जाए आपका दिल है। लेकिन आरएसएस को 70 सालों में खड़ा किया गया बार बार ये कह करके कि ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये तिरंगे को नहीं मानते, ये भगवा को मानते हैं, इनके ये मुसलमानों को दोयम दर्जे का समझते हैं, कोई गुरु गोलवारकर जी का जिक्र करता है, कोई हेडगेवार जी का जिक्र करता है, लेकिन ना तो ज्यादातर लोगों ने गुरु गोलवारकर को पढ़ा है ना हेडगेवार को पढ़ा है। तो अब क्योंकि आपको आरएसएस को गाली देने से सत्ता मिलती है, आरएसएस को गाली देने से आप मॉडर्न कहलाते हैं, लिबरल कहलाते हैं, तो ये एक फैशन हो गया है कि जिस आदमी को मॉडर्न बनना है वो आरएसएस को 4 गाली दे और खड़े होकर के बताए और उसको डिमोनाइज करे। तो तमाम सारे लोग जो लिबरल हैं, जो आप देख रहे हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये सब तो वही लोग हैं जिनका शिक्षा पे पहले से कंट्रोल था। तो इस देश की शिक्षा पॉलिसी को चलाया किसने? उन्हीं लोगों को अब वजीफे मिलते थे, उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप मिलते थे, उन्हीं लोगों की यहां पे पीएचडी कराई जाती थी। तो हिंदुत्व को लेकर के, इतिहास को लेकर के, सनातन को लेकर के, या जो नेशनल जो व्यू था, नेशनलिस्टिक जो आपका अप्रोच थी उसको लेकर के यहां तो उसको तरजीह नहीं दी जाती थी, उसको उसको फ्लोट ही नहीं किया जा सकता था। तो उसी तरीके के लोग थे कि आरएसएस के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व को गाली दो और ये पाखंड बताओ, मंदिर पूजा पद्धति, ये तमाम सारी चीजों से एक हेट्रेड क्रिएट की गई, लिहाजा वो चल रहा है। तो आरएसएस को मैं आज भी कहता हूं कि जो काम आरएसएस ने किया, आप ये तो नहीं कह सकते कि आरएसएस ने जब, जिस वक्त इसकी 1925 में नींव रखी गई होगी तो उस दौर से लेके इसमें बदलाव नहीं आए होंगे, बहुत सारे बदलाव आए होंगे, पर 1925 में जरूरत कुछ और रही होगी, 1950 में जरूरत कुछ और रही होगी, 1970 में रही होगी, और आज तो बदलाव तो आए होंगे, लेकिन कोर क्या है उनका? उनका कोर ये है कि वो ये नहीं पूछते जब खाना बांटने जाते हैं कि ये राशिद भाई को दे रहे हैं या रामलाल को दे रहे हैं, श्यामलाल को दे रहे हैं, वो तो आप उनके लोग मरते हैं केरला में 34-35 जो आरएसएस के कार्यकर्ता मरे, तो कितने आपने आरएसएस के लोगों को देखा कि वो बंदूक लोके उन लोगों को मारने गए? तो उनके तो लोग मरते हैं, उसको भी वो बस ये मान के चलते हैं कि ये बस हत्या हुई है, उसका उन्होंने जिक्र करेंगे, पोलिटिकली कहीं उठा देंगे दो एक जगह, उसके अलावा कोई बदला तो ले नहीं रहे। तो आरएसएस को बदनाम करना, आरएसएस को गाली देना, आरएसएस के बारे में कुछ भी बोल देना, क्योंकि एक तो आरएसएस के साथ ये है कि बहुत सारी चीजें उनकी मार्केट में आती नहीं है कि वो क्या कहते हैं, इसलिए उनका एक उनका उनका विजन जो है वो विजयदशमी के दिन जो वो भाषण देते हैं पूरा, उसमें पूरा उनका रोड मैप होता है, उनके पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं, और करीब मेरा ख्याल है कि 400-500 या 300-400, क्योंकि मुझे बहुत अंदरूनी उनके बारे में पता नहीं है, हमारे दोस्त लोगों की वजह से हमको पता है, कुछ 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 प्रचारकों के बीच में मुलाकात से मुझे पता है, वो जो है एनवायरमेंट में भी काम करते हैं, वो जंगल में भी काम करते हैं, वो आदिवासी में भी काम करते हैं, वो घर वापसी के लिए भी काम करते हैं, वो मुसलमानों को भी जाके अपने साथ जोड़ते हैं, मुसलमानों को भी भारत के बारे में बताते हैं, संघ के बारे में बता, तो कोई ऐसा मैं समझता हूं शोभा नहीं है जिसमें आरएसएस जो है लगातार कंटिन्यूअसली विदाउट एनी वायलेंस, तो आप उनके लोगों को फ्रेम कर देते हैं, उनके लोगों को मार देते हैं, तो ये सिलसिला है। लेकिन आरएसएस का अपना एक बड़ा रोल है और आरएसएस लगातार इस कोशिश में लगी हुई है, और बीच बीच में उनकी कोशिशें भी हैं, वो जिस तरीके से उन लोगों को बुलाते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कोई वो भी होता है, लेकिन वही मैंने कहा कि जो लोग डिस्कशन में उधर से आते हैं उन लोगों को सोसाइटी आउट कॉर्नर कर देती है। तो एक 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 सामंजस्य जिसे कहते हैं, एक 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 कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी आरएसएस जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, जब थर्ड फ्रंट की सरकार थी, तब भी वही काम कर रही थी, आज भी वही काम कर रही है। तो आज सत्ता में आने से आरएसएस को पावर का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई पावर में जाने वाले लोग नहीं है, ना पावर से उनका कोई ले, हाँ वहां से निकलने के बाद जो संघ में जाता है पॉलिटिक्स में जाए, उसके बाद से उसका संघ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो संघ चाहता था, जो संघ बताना चाहता था, उसमें पॉलिसी में बदलाव लाओ, स्वदेशी की बात करो, लोकल की बात करो, बाहर विदेशियों की कम बात करो, मल्टीनेशनल के खिलाफ, तो वो तमाम सारी चीजें हैं आज भी। लेकिन ये जो बात आपने कही है कि आरएसएस को भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो गुस्सा है, ये जो रोष है लोगों में, इसका नुकसान होगा, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में मोहन भागवत जी ने कई सारे बयान भी दिए हैं, अपनी बातें भी कही हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि जब आपको कई सालों बाद ये लगे ना कि आपके साथ धोखा हुआ है ताहिर भाई, तो आप वाले साहब की बात भी नहीं मानेंगे। आप शायद हो सकता है कि आप कहेंगे कितनी भी सब कुछ है, लेकिन आप
वो जो एक लंबा गुस्सा होता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ये दगा और झूठ बोला गया, वो आज उस स्थिति में हिंदू खड़ा है। अगर अगर मैं समझता हूं, मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आप रियलिस्टिक हूं तो मैं मानता हूं कि हालात उधर बढ़ रहे हैं, भले ही ऐसा ना हो। लिहाजा आरएसएस की कोशिशें हैं, दूसरे लोगों की भी कोशिशें हैं, सरकार भी जिस तरीके से सरकार पर दबाव है हिंदुओं का, मैं समझता हूं ये पहली हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मींस नेशनलिस्ट लोगों की सरकार है, जो जिसपे सबसे ज्यादा उसका अपने ही लोगों पर दबाव है, वो अपने लोगों के दबाव में है, क्योंकि हम इतने लंबे वक्त के बाद उन्हें लगता है कि अब हम इस मौके को जाने नहीं देंगे और जो जो कुछ हुआ है उनका उनका जो है, जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक हम आपको बैठने नहीं देंगे। लिहाजा 2024 का चुनाव जो है वो देश के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार अगर कंटिन्यू कर जाती है तब तो इस देश में, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, इस देश के गद्दार, वो हिंदुओं की शक्ल में भी हो, वो लेफ्टिस्ट की शक्ल में हो, वो वामपंथ की शक्ल में हो, वो मुसलमान की शक्ल में हो, किसी पार्टी की शक्ल में हो, लोग उनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 के बाद इस मुल्क की, जिसे कह सकते हैं कि रियल हिस्ट्री लिखी जानी है। अभी तो बदलाव और जिसे कह सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है, आप यहां ये हो गए, आज एक रोड का नाम बदल दिया, आज एक शहर का नाम बदल दिया, अभी तो सिर्फ इतना ही भर चल रहा है, लेकिन जब तक ये पूरे तौर से नहीं होगा, पूरी डस्ट सेटल नहीं करेगी, तब तक किसी एक बड़े बड़े नतीजे की उम्मीद करना बेईमानी है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सरकार, इसको कोई प्रो हिंदू कहता है, कोई एंटी मुस्लिम कहता है, लेकिन इसने अपने 6 साल की कारकर्दगी में कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है कि इसने हिंदुओं को मजबूत कर दिया और मुसलमानों को कमजोर कर दिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो। लिहाजा मुसलमानों में अगर रीजन प्रिवेल हो जाता है, कोई सेनर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, वो एक दो नहीं, कुछ डाड़ियां नहीं, कुछ मेरा कहने वो लोग जो सोसाइटी में जिनका जोर हो, लिहाजा जो मॉडर्न लोग हैं उनका सोसाइटी में जोर नहीं है, ज्यादातर सोसाइटी में मुसलमानों में वो मुल्ला और मौलवी के उससे ही चलते हैं। लिहाजा वो अभी आप देख रहे हो ये तबलीगी जमात ने जो खेल किया है उसमें भी मौलवी साहब का वही है, लेकिन दुख यह है कि टेलीविजन पे जो सो कॉल्ड मुसलमान आते हैं पैंट शर्ट पहने हुए, वो भी उन्हीं को डिफेंड करते हैं, वो भी उनके खिलाफ नहीं जाते। तो या तो एक डर है सोसाइटी से अलग थलग होने का, या एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है। लिहाजा बड़ी बड़ी बातें जो है, चाहे जावेद अख्तर करें, चाहे उनकी अहलिया करें, या और दूसरे लोग करें, तो लोग पूछने लगते हैं आमिर खान को डर जो है सेलेक्टिव लगता है, जावेद अख्तर को भी डर सेलेक्टिव लगता है। तो उनकी तरफ से जो आज बहुत जिनको मॉडर्न कहा जाता था किसी वक्त में, वो भी एक्सपोज हो गए, उन्होंने भी अपने चेहरे से वो नकाब उतारा तो पता चला कि ये भी जो है छुपे हुए जो है खतरनाक लोग हैं, इनकी दाढ़ी नहीं थी, ये अंग्रेजी बोलते थे, इनकी हरकतें वही थी। तो अब वो जावेद अख्तर रहे हो, आमिर खान रहे हो और फलाने रहे हो, इवन 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 सलमान खुर्शीद जैसे लोग रहे हो जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति रहे, उनके वालिद यहाँ के गवर्नर रहे, कई वजारतें उनके, लेकिन उन्होंने भी अपनी किताबों में जो बातें लिखी उससे पता चल गया कि आप भले ही ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें लेकिन आपका जहन वहीं पर अटका हुआ है। तो अभी ये सेग्रीगेशन नहीं हुआ, हिंदुओं में तो इस बात का सेग्रीगेशन शुरू से था और कभी भी वो एलिमेंट जो है मेजर सोसाइटी पे हावी नहीं हो पाया, जिसे आप फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, जिसे आप बहुत रेडिकल एलिमेंट कहते हैं, वो रहे हैं हमेशा, कभी नहीं हो पाए जबकि मेजोरिटी थी। लेकिन आपने 99% मेजोरिटी आपकी एक ही तरीके से सोचती है, एक ही अंदाज में सोचती है, तो कुछ दूर तक तो आप अपना अपने आप को लिबरल दिखाते हैं लेकिन कुछ देर के बाद आपका का मुखौटा उतर जाता है। तो आरएसएस की कोशिशें हों या तमाम और दूसरे लोगों की हों, ये कोशिशें जारी रहेंगी और आरएसएस लगातार इस बात में यकीन रखता है कि वो कोशिश अपनी करते रहते हैं और वो कभी एग्रेसिव नहीं होते। वो ये भी नहीं मानते क्या कहते हैं कि जो आज कोशिश है वो उनके जमाने आ जाएगी, वो एक सिलसिला है पिछले 50-60 साल से चल रहा है और आज भी चल रहा है। लिहाजा वो घर वापसी की बात जब करते हैं तो घर वापसी में जाकर के किसी को रिश्वत नहीं देते, वो यही बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज थे। और अब तो ओपन कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों तुम ये मानो कि तुम्हारे बाप दादा पुरखे गजनी था, गौरी था, औरंगजेब था, या बाबर था, या यही के लोग थे। अब आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए, उनके फैमिली ट्री निकाल लीजिए, तो आखिर में जाके पता चलेगा कि फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा वो जो थे राघो राम थे, कौल थे, वो तो कौल ब्राह्मण है। तो भाई आज आप इंडोनेशिया की तरह क्यों नहीं मानते कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आपका कल्चर ये था, आपने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है। तो कोई भी हिंदू या नहीं कह रहा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ के आप ये कहें कि सिर्फ मैं और मेरा, इसके अलावा कोई नहीं,
तो फिर कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगा। और ये सिर्फ हिंदू हिंदुस्तान में नहीं, ताहिर भाई आप देखें पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर के मुसलमानों ने जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनके पास कोई जबाज इस तरीके का नहीं है कि वो अपनी बात को ये कह सके कि नहीं हम बड़ा लॉजिकल है। आप करते रहिए, कौन दुनिया में आप पे यकीन कर रहा है, सब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो अब अगर आपने तय कर लिया कि नहीं हमें नहीं सुधरना, तो इसमें अल्लाह ही बचा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल आखिर में मैं जानना चाहूंगा पुष्पेंद्र भाई, आपने पाकिस्तानी मीडिया के साथ भी काम किया, हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में बताइए कि क्या वो एक्सपीरियंस रहा और भारत के मीडिया के साथ काम करते हुए आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। अगरचे मैं आइंदा आने वाले कुछ शोज़ में आपसे बातचीत जारी रखूंगा, मगर आज इस हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान का जो इंग्लिश मीडिया है ना, उसको देख करके लगता है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको जिसको इस अखबार में लिखा गया है, पाकिस्तान के इंग्लिश मीडिया को। अब वो पाकिस्तान में तो मैं इतने वक्त तक रहा कि मतलब आप कहें तो कोई गली ऐसी नहीं है जो मैं ना घूमा हूँ, जगह जगह गया और हर किस्म के लोगों के बीच में बैठा, और क्योंकि मुझे जाने की इजाज़त ओपन थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का जो इंग्लिश मीडिया है उसके अंदर थोड़ा सा उसमें रैशनलिज्म है, और वो कुछ हद तक बातों को समझ भी रहा है, उन चीज़ों को बताता भी है। लेकिन बात यह है कि वो जो नवाए वक्त है, जिसे आप जिसे मैं नवाए दिक्कत कहता हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो जो आपका जो वर्नाकुलर मीडिया है वो तो एकदम मतलब हेटरेट पे चलता है पूरा का पूरा। और आपके यहाँ जो तनकीद या गुस्सा या हुकूमत के खिलाफ जिस तेजी से लिखते हैं आप लोग, और मैं इसलिए आपके यहाँ बहुत ईमानदारी से कहता हूं ये बात कि पाकिस्तान में तो मोरल लेस डेमोक्रेसी रही नहीं, आपके यहाँ तो डिक्टेटर रहे। तो डिक्टेटर को तो कभी भी इस किस्म की आवाजें सुनने का शौक कभी भी नहीं रहा। लेकिन उस डिक्टेटरशिप के अंदर भी अगर 5% भी मैं कहता हूं लिखने की हिम्मत है तो वो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो डेमोक्रेसी रही, तो हमारे यहां तो इतना मीडिया की बातें बात कही जाती है। लेकिन आज भी हमारे यहां मीडिया के अंदर नरेटिव तो एक ही चलता है, खासतौर से हिंदी मीडिया और इंग्लिश मीडिया के अंदर भी यही है। हमारे यहाँ तो हिंदी मीडिया भी जो है अल्ट्रा सेकुलर हो जाता है, आज भी नहीं लिखता कि कहीं मुसलमान का कहीं किसी ने मर्डर किया हो तो मुसलमान का नाम नहीं बताते, हिंदू के मर्डर करने वाले का नाम बता देते हैं मुसलमान। तो ये जो बीमारी है मैं उसमें मानता हूं कि वहां फॉरेन पॉलिसी को लेकर बड़ी स्ट्रांग उनकी वो है, हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हमारे यहाँ एक राय नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं लोग। और खासतौर से हिंदुस्तान को लेकर के मैं समझता हूं कि वहां ना फिर वो हिंदू रहता है ना इंग्लिश रहता है ना हिंदी रहता है, वो सब एक ही हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये है कि इंग्लिश मीडिया जो है इस तरीके से लाइन नहीं ले पाता है सरकार की, बात अलग हो कि एडवर्टाइजमेंट का मामला हो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो जाती है। अगर पाकिस्तान के मामला से लिखें तो इंग्लिश मीडिया का रोल अलग है। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मीडिया जो है पूरी तरीके से मनी ड्रिवन हो गया है, यानी हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि अखबार जो दुनिया का उनका सबसे पुराना है उस अखबार के अंदर तो वो कहते हैं अमन की आशा की बातें होती हैं, और चैनल पर बैठ करके वो ऐसा लड़ाते हैं लगता है बम फेंक देंगे यहीं से। तो कभी कभी लगता है कि ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भाई एक तरफ ये भी दुकान चलाओ कि हम भाई भाई हैं, उधर से कुछ गजल गाने वाले आएंगे, इधर से कुछ गजल सुनाने वाले चले जाएंगे, और यहाँ आएंगे यहाँ बैठेंगे, यहाँ की इलीट के साथ बैठेंगे वहां की इलीट के साथ बैठेंगे। तो ये भी एक हमारे यहाँ अखबारों में इंग्लिश में चलता रहता है, लेकिन उन्हीं अखबारों के जो टेलीविजन है उसके अंदर भी ये हाल देखा मैंने कि यहाँ ऐसा लगता है कि जंग छिड़ जाएगी। और अब तो एक 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 ऑर्गेनाइजेशन ने दो दो चैनल खोल लिए हैं, एक चैनल पे मॉडर्न व्यू जाता है एक पे हार्डलाइन। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि फिर मैं इसको सहाफत नहीं कहता, फिर मैं इसको कहता हूं कि प्योर ये बिजनेस है, उस बिजनेस में नेशनलिज्म बिक सकता है तो नेशनलिज्म बेचो, कम्युनलिज्म बिक सकता है तो कम्युनलिज्म बेचो, पाकिस्तान की हेटरेट बिक सकती है तो वो बेचो, दोस्ती बिक सकती है तो अब दोस्ती कम बिक रही है तो आपकी सब आप देख सकते हैं कि उसका एक अपना चेहरा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ईमानदारी से कि पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया अभी भी भारत से सुपीरियर है, और मैं खासतौर से उनके एडिटोरियल पेज और उनके आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र भाई, आपके साथ आज पहली नशिस्त हुई बातचीत की। मैं आशा करता हूं कि आप हमें वक्त देते रहेंगे, चूंकि आपकी जो बातचीत है वो बहुत ही इन डेप्थ होती है और हम कैंडिड टॉक करना चाहते हैं, यानी जिसको मैं बिला तकल्लफ कहता हूं वो बातचीत करना चाहते हैं। मुनाफ़त नहीं होनी चाहिए उसमें, मुनाफ़त नहीं होनी चाहिए, चूंकि अगर बातें शुगर कोटेड होगी तो फिर उस बात का कोई फायदा नहीं। नितारे की अब जरूरत है, नितारे का समय आ गया है, हमें अब चीजों को
रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के कंपैरिजन पर देखना है, ना कि वो हॉलो एंड शैलो लेफ्ट राइट में पढ़ना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। इट्स ए प्लेजर टू मी, इट्स ए प्लेजर टू मी सर, एनी टाइम ताहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बातचीत कर रहे थे हम पुष्पेंद्र भाई से और उनकी बातें ही उनका तारुफ हैं, और मैं आज का बिला तकल्लफ तजिया देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.